अभी जितने सखा लोग थे ना वो लटका करके लगन टिका ली। बोले कन्हैया तू कब तक ये गिरिराज को धारण करोगी, तेरे हाथ दर्द हो जाएगा, थोड़ी सी नीचे उतार ले, हम अपने से पकड़ लेंगे। कृष्ण बोले तुम लोगों से ये गिरिराज नहीं टिकेगा। बोले क्यों, तू क्या अकेला मैया का दूध पिया, हमने मैया के दूध हमने पी नहीं, नीचे हाथ कर ले हम गिरिराज उठा लेंगे। जब कृष्ण हाथ को धीरे धीरे नीचे किया और गिरिराज को धीरे 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 नीचे उतरने लग गए और जो डंडा टेका कर रखे थे डंडे सब हैं सो टूटना शुरू कर लिए। कृष्ण सखाओ ने क्या कन्हैया ये गिरिराज हमसे नहीं टिकेगा, तू गिरिराज को उठा ले। मैया यशोदा बारंबार कृष्ण को मक्खन खिला रही थी, हाथ को मालिश कर रही थी, मेरे लाला को हाथ में कोई दर्द नहीं हो जाए। इंद्र ने 7 दिन तक उसने अपना जी जान लगा दी। बाद में एक दूत को भेजा, देख करके आओ ये ब्रज में क्या हो रहा है, ये ब्रज का सत्यानाश हो गया कि नहीं। और एक दूत आया, केवल वो ऊपर ऊपर से देख करके चला गया। बोले महाराज कंस ब्रज में एक चिट्ठी तक भी जीवित नहीं, सबके सब खत्म। इंद्र और एक दूत को भेजा, तू देख कर क्या, वो तो ऊपर ऊपर से देख रहा था और उसने नीचे आ गया। नीचे आकर देखा एक चिट्ठी तक भी ब्रज में मरे नहीं। वो सोच रहा था ब्रज में तो कोई बड़ी भारी विपत्ति आ जाएगी, उन्होंने देखा विपत्ति नहीं, ब्रज तो आनंद में नाच रहे हैं, गा रहे हैं और वहाँ होली मच रहा, सबके सब होली गा रहे थे। बोले आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया, आज वापस गया। बोले बता ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया कि नहीं। बोले महाराज इंद्र ब्रजवासियों का क्या सत्यानाश, तेरा ही सत्यानाश हो गया। मतलब बोले जिसको तू बालक समझ रखा था ना, वो बालक नहीं, वो तो कनिष्ठ अंगुल को घर में गिरिराज उठा लिए और ब्रजवासी को नीचे आनंद ले रहे थे, वहां तो होली मच रहा था। इंद्र ने सोचा भैया ये बालक कौन है, इंद्र ध्यान लगाया, देखा वो बालक नहीं तब प्रभु है जिसने कृपा करके उनको ये इंद्र पद, उन्होंने कृपा करके दिया था उनको प्रभु स्वयं। इंद्र डर गया, लगता है मेरे इंद्र पद ही चला गया। उसने अपना पत्नी इंद्राणी को साथ में अमरावती में वो विश्राम करने के लिए गया, लेकिन डर से उसको नींद नहीं आया। फिर अपना गुरु बृहस्पति के पास में गया, बोले गुरु जी मैंने तो बड़ा अपराध कर डाला, मैं तो सोच रहा था कृष्ण कोई बालक होगा
लेकिन वो बालक नहीं है तो मेरे प्रभु है, मैंने ऐसे ऐसे गड़बड़ किया। गुरु जी ने कहा बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, चलो पिता ब्रह्मा के पास में चलिए। तब ब्रह्मा जी को पास में गए, ब्रह्मा जी बोले तुमने सत्यानाश कर दिया, ये कृष्ण से एक देवता है, ये 33 बार सब कृष्ण चरण में माफी मांगी। मैं इतने पहले भी बुरी तरह से फंस गया था, बोले आप भी फंस गए थे, बोले हाँ, बोले कैसे, बोले जिस समय कृष्ण अघास रूप मारे, इतने में स्वर्ग के जितने सब इसी बड़े जगत में जितने प्राणी जितने सखा लोगों ने कृष्ण की जयकार लगाए, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जब उन लोगों ने जयकार लगाए वो जयकार पहुंचा स्वर्ग लोग में, पर स्वर्ग लोग में देवता लोग कृष्ण जयकार लगाए, क्या तो वो जयकार पहुंचा ब्रह्मा लोक में। ब्रह्मा जी ने देखा आज ये ब्रज में जयकार क्यों हो रहे, क्या बात है, ब्रह्मा जी उतर करके आए, देखा कृष्ण का उम्र केवल 5 साल और उसने बहुत बड़े एक राक्षस को मारा जिसका नाम था भासु, वो अजर सर्प करके आया था और उसका जो धोती जा करके वो कृष्ण के शरीर में समा गया। ब्रह्मा तो देख करके आश्चर्य में पड़ गए, बोले भैया ये बालक कौन है, ये ब्रह्मा ज्योति भी जिसकी शरीर में समा गए, ये बालक कौन है। इतने में ब्रह्मा जी और थोड़ी सी आगे लीला देखने के लिए कृष्ण है, जब कृष्ण सखाओं के साथ में यमुना किनारा में बैठ गए वो भोजन कर रहे, भोजन करते समय उन्होंने कृष्ण का जो बछड़ा था ना वो बछड़ा को उन्होंने चोरी कर लिया। कृष्ण के सखा लोगों ने कहा कृष्ण हर बछड़े सब चल रहे थे, बछड़े गए कहाँ, कृष्ण वाले मैं देखता हूँ तुम लोग यहीं पर बैठो। कृष्ण जब बछड़े को ढूंढने के लिए गए इधर इतने सखा लोग थे, ब्रह्मा ये सखा उठा करके ले गए और उन्होंने उन्हें छुपा दिया एक गुफा को, अगर मैं उन्होंने उसको छुपा दी। कृष्ण देखा मेरे सखा बछड़े सब गए कहाँ, इतने में उनकी जो माया ने उनको स्मरण कराया, कृष्ण ब्रह्मा तुम्हारी लीलाओं को समझ नहीं पाए इसलिए तुम्हारी बछड़े चोरी। इतने में ब्रह्मा जी कृष्ण अपना शरीर से जैसे बछड़े और जैसे एकदम वैसे उन्होंने प्रकट कर लिया और कृष्ण खुद और खुद को साथ में कृष्ण लीला कर रहे थे। इतने में ब्रह्मा जी ये बछड़े सखाओं को चोरी करके जब उसने ब्रह्मा लोक में पहुंचे, इतने में ब्रह्मा पहुंचने से पहले कृष्ण ही ब्रह्मा बन गए और चले गए ब्रह्मा लोक में। जो दरवान थे बोले देखो मेरे जैसे कुछ बहु रुपया खा रुपये, अगर मेरे जैसे भी आएगा ना घुसने मत दिया करना। कृष्ण ही ब्रह्मा बन बैठ गए। जब असली ब्रह्मा वहां पर पहुंचे उनका जो दरबार थे उन्होंने तो डंडा लेकर के ब्रह्मा जी को मारने के लिए भाग लिया, बोले तू कहां से आ गया, ये चार्जर लगा के मेरे प्रभु तो अंदर में बैठे हुए। ब्रह्मा जी देखो या बोलो ब्रह्मा बनकर बैठ रही है, मेरे गाँव को मेरे मारने भाग रही है। ध्यान लगाया उनका प्रभु ही ये ब्रह्मा बन करके बैठ गए कहां पर, उसकी आसन में बैठ गए। फिर तो ब्रह्मा डर से उन्होंने वहां से भागे और यहाँ से वहां गए और उधर से इधर करे, ये मरते जगत में हो गया 1 साल हो गया, ये मरते जगत में 1 साल हो गया। उन्होंने 1 साल बाद में देखा कृष्ण जैसे कहीं लीला कर रहे थे सखाओं के साथ में, कृष्ण अभी वैसे लीला कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा फिर चक्कर में पड़ गए, बोले भैया ये कौन है, मैं तो ये सबको सबको लेकर गुफा में सुला करके रखा हूँ, कृष्ण क्या फिर ले आए, फिर देखने लिए गए, बोले नहीं वो सब वैसे सो रहे हैं। फिर ब्रह्मा का 4 सर है, 1 साथ में इधर 2 सर
और इधर दो सर, जब एक साथ में देखा कृष्ण दिखाया, देखो ये जो सखा लोग ब्रह्मा जी एक नारायण की नाभि कमल समुदाय जन्म हुआ। यहाँ पर जितने बछड़े रखा देखा सके सब चतुर्भुज नारायण, सब नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा समझ गए ये कृष्ण कोई साधारण नहीं, ये मेरे पिताजी की पिताजी, ये मेरे पिताजी भगवान कृष्ण। ब्रह्मा जी हंस वाहन से नीचे कूद पड़े और सीधा कृष्ण का चरण में लेट गए और लेट करके भगवान को स्तुति कर रहे बलेश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह सर्व कारण। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कृष्ण कौन है, देखो ध्यान देकर सुनो कि ब्रह्मा क्या कह रहे हैं। हाँ, ये चीज को अच्छे तरह से समझ लो, कभी कभी हम लोग ना भ्रमित हो जाते हैं, ये कौन है, ये बता कौन है, ये देवी कौन है, हैं? कभी हम इस तरफ जाते हैं ये काम नहीं बने भागते, तीसरी तरफ में भागते हैं, हाँ इसकी पूजा उसकी पूजा। देखो ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये ब्रह्मा जी कह रहे कृष्ण कौन है, बोले कृष्ण ईश्वर है, बोले ईश्वर का डेफिनेशन क्या है, बोले गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे शांतिपनी आश्रम में। कृष्ण 64 दिन में 64 विद्या का अध्ययन किया है। अब शांतिपनी ऋषि चक्र में पड़े हुए हैं, एक विद्या जिंदगी में एक व्यक्ति समाप्त नहीं कर सकता। जैसे कोई सीए करता है, कोई डॉक्टर भी करना है, कोई इंजीनियर ही करता है, देखना पढ़े जिंदगी बीत जाती है लेकिन वो विद्या को खत्म नहीं कर पाता है। लेकिन जितने आर्ट है वो 64 तरह का आर्ट है, नृत्य करना बजाना सिखाना पढ़ना वो 64 तरह का विद्या है। वो समझ गए हो ना हो ये भगवान है। तो उसने अपना पत्नी को बोले देख नियम है, पढ़ करके जो जाते हैं नियम है गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, कृष्ण गुरु दक्षिणा देने आएंगे, लेकिन हम ऐसे एक चीज मांगेंगे जैसे हमें पता चल जाए ये भगवान है। बोले क्या मांगेंगे, बोले जो भगवान है
वो असंभव संभव कर सकते हैं। हम ये मांगेंगे हमारा बेटा मर गया था बचपन में, हमारा मरा हुआ बेटे को वापस ला दें। अगर वापस ले आएगा समय जाएंगे ये कौन है, ये भगवान है। उन्होंने अपना मरे हुए बेटे को दक्षिणा रूप में मांगू। तो कृष्णा हमारे एक ही बेटा था, समुद्र किनारे में घूमने गया था और कहीं उसने मर गया, मेरे बेटे को वापस ले आ। कृष्ण तो पहले समुद्र में गए, वहां पर एक शंखासुर था, सोचे शायद यही मार दिया, शंखासुर को बंद किया वहां पर भी नहीं, फिर उन्हें गए साक्षात जम गए और जा करके भगवान कृष्ण शंख बजाए। शंख ध्वनि सुन करके जो जम स्वयं काल वो थरथर थरथर कांपते कांपते आए, बोले क्यों, बोले लगता है मेरा भाई आ गई है। क्योंकि कृष्ण ऐसे देवता है, इंद्र का घमंड को भी मैंने चुर चुर किया, ब्रह्मा जी अभिमान भी दूर किया, उनने सोचा शायद मेरा ही नंबर आ गया। वो थरथर थर कांपते कांपते आए, ठाकुर जी को प्रणाम किया, ठाकुर जी की आरती उतारे, चरण धोए, चरणामृत लिया, बोले प्रभु हम क्या सेवा करेंगे, मेरे गुरुपुत्र को वापस दो। मरे हुए बच्चे को उन्होंने वापस लेकर क्या है, गुरु जी देख करके इतने प्रेम में गदगद हो गए, बोले बेटा गुरु दक्षिणा तो बहुत व्यक्ति दिया है, लेकिन तुमने जो गुरु दक्षिणा दी ऐसे गुरु दक्षिणा जी ने दिए नहीं। जब ये बात देव को पता, मेरा बेटा ने मरे हुए बेटे को काल से भी लेकर के आए, बोले कृष्णा मेरे भी छह छह बेटे मर गए, ये कंस ने पछाड़ पछाड़ करके मार दिया, तेरे जो बड़े भैया तो मेरा बड़ी इच्छा हो रही है अपना बेटे को देखने के लिए, बेटा मेरे बेटे को लाओ। बोले ठीक है भैया। कृष्ण गए, फिर उन्हें छह भाइयों को वापस लाए, मरे हुए बेटे को वापस लाए, ला करके मैया को उन्हें दिया। मैया इतने प्रसन्न हो गई, इतने प्रसन्न हो गई, फिर द्वारा में एक ब्राह्मण का संतान जन्म लेकर जाता था, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की और पूरी नहीं करवाए तो कृष्ण अर्जुन को लेकर फिर उन्होंने भगवान विष्णु के पास में गए और वहां से उन्होंने सारे बच्चों को वापस लाए। इसलिए ब्रह्मा बल सचिदानंद विग्रह, भगवान की स्वरूप क्या है, हमारा जो स्वरूप है प्रकृति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर हमारी, लेकिन भगवान की शरीर कैसे है, बल सचिदानंद पाय, भगवान की तीन स्वरूप है, सत चित और आनंद है। भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान सत्य स्वरूप है, वो क्या बोलते हैं श्री राधे राधे राधा जी के नाम सबसे समझते, यही मूल शक्ति है। वृंदावन गए हाँ, वहां पर एक सेवा को गए, उस सेवा को निकुंज वन, वहां दो बहन है, एक निकुंज वन और एक निधु वन है, हैं एक नाम सेवा को, सेवा को नाम क्यों बड़ा, इसलिए रसखा कहते हैं बोले वेद में ढूंढ पुराण गायन, परम ब्रह्म में वेद भी ढूंढा है, उसको पुराण भी ढूंढा है, उसको ऋचाओं में भी ढूंढा है, लेकिन वो परम ब्रह्म कहीं नहीं मिले। बोले कहाँ मिले, बोले मैं जो वृंदावन गया ना फिर वृंदावन में मिले, बोले वृंदावन में कहाँ मिले, बोले सेवा कुंज में, बोले क्या करते हुए मिले, बोले पायलट राधिका पाए, वो परम ब्रह्म को हम देखा और राधा रानी की चरण की सेवा करते हुए, इसलिए वो स्थान का नाम पड़ गया सेवा कुंज, नाम पड़ गया वो स्थान का। इसलिए ये भगवान की लादिनी परा और स्वरूप शक्ति, इन से ही सारे शक्तियां प्रकट होती हैं। इसलिए जब हम श्री राधा जी की पूजा कर लेते हैं, बोले एक शक्ति नहीं जितने सारे शक्ति है, सारे शक्तियों की पूजा अपनी आप हो जाती है। इसलिए ब्रह्मा कहते हैं मखे सोई क्रिये सोई
वेद भारती स्वरी रमेश्वरी खेमेश्वरी श्री राधे के नमस्तुति। राधारानी कौन है कि जो सबका जो ईश्वरी है श्रीमती राधा रानी, इनसे सारे शक्ति। कृष्ण का डाण से कौन प्रकट हुए? बड़े बलदेव प्रभु। यदि बलदेव प्रभु से एक शंकर सन प्रकट हुए और इनसे तीन विष्णु प्रकट हुए हैं। हाँ देखो, ध्यान देख के सुनो, आप सुन रहे हो एक विष्णु का, ये तीन विष्णु और हैं। एक विष्णु नाम है कारण दो कसाई विष्णु, बल्कि इनका काम क्या है, बल्कि ये जो माया को प्रति दृष्टि करते हैं, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं माया धक्षण प्रकृति सूरते सचराचर। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जब मैं माया को प्रति दृष्टि देता हूँ, ये माया अनंत करोड़ ब्रह्मांड को सृष्टि करती है, एक ब्रह्मांड नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मांड सृष्टि होती है, इसलिए ये कारण गोसाई से। दूसरा विष्णु का नाम है गर्भ तो गोसाई विष्णु, बल्कि इनका काम क्या है, बल्कि ये हर ब्रह्मांड में अपना पसीना से आधा ब्रह्मांड भर ले। आप देखे होंगे जिन नारायण नाभि कमल से ब्रह्मा जी सृष्टि हुए हैं, ये इन्हीं विष्णु से। और एक विष्णु जिनका नाम क्षीराब्धिसाई विष्णु, बल्कि इनका काम क्या है, बल्कि प्रत्येक जीव के हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं वो एक अंगुष्ठ परिमाण में, ये कौन सी क्षीराब्धिसाई विष्णु। और लास्ट जो शेष, बोले शेष कौन है, बोले जो अनंत नाग है जिस ऊपर में प्रभु नारायण विश्राम करेंगे। अब समझो ये कृष्ण कौन हुए, इसलिए ब्रह्मा जी कहते अनादि आदि गोविंद, जो अनादि उसका जो आदि है ये कौन है, जो लड्डू गोपाल बैठे हुए दे रहे हैं ना, दिखने में लगता है छोटे से, लेकिन ये बड़े खोटे से हैं और देखने में लगते हैं छोटे से। इसलिए ब्रह्मा जी के सर्व कारण कारणम, जितने सारे कारणों के जो मूल कारण है, ये श्री हमारा लड्डू गोपाल कृष्ण को देख रहे हो, मीठी मीठी प्रभु बंसी बजा रहे हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, अरे जोर से कर, आज एकादशी इसलिए आवाज नहीं आ रही। हाँ जोर से कर लगा, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राम। तो 40 श्लोक में भगवान कृष्ण स्तुति, हम कोशिश करेंगे सुनने के लिए। अब ध्यान देकर सुनो, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कौन है, हमारे आदि गुरु, हमारे जो मूल पिता कौन है, ब्रह्मा जी। क्योंकि नारायण से ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से मनु महाराज आए, फिर मनु महाराज से सदन पांच आए, फिर धीरे 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 हम वहीं से ही हम धीरे धीरे जगत से आते हैं, है? इसलिए हमारे जो मूल पिता कौन है, ये ब्रह्मा जी, ये मूल पिता मूल हमारे। वो बहुत अच्छी अच्छी बात बताए, हम उसको दो श्लोक सुनेंगे। अब ध्यान देकर सुना, बोले ज्ञानी प्रयास मधुपास्य नमंत एव जीवंती सन्मुखरी तग भवदी अवार्ता स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवाग मनोभी जे प्रायस अजितो जितो अभिस्त्रिलो क्या। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान का एक नाम है अजित। अजित मतलब जिनको जितना जिनको पाना बहुत कठिन है, प्रश्न है फिर हम क्या पा नहीं सकते हैं, तब ब्रह्मा जी कहा उसको पा सकते हो, बोले कैसे, बोले ज्ञान प्रयास उपास। पहले हमारे अंदर में जो अभिमान है ना, पहले पहले ये अभिमान को त्याग दो। हम बोलते ना, अरे हम इतने बड़े लिखे हुए यहाँ के, हम इतने बड़े पंडित विद्वान, हमारे इतने रुपया पैसा, हमारे इतने नाम, कल भैया भैया सारे मन पर करो है ये सारे। ब्रह्मा जी कहते तुम्हारे कितना सही, बोले एक, बोले मेरे कितना है, बोले चार, बोले तुम कौन हो, बोले जगत का जी, बोले मैं कौन हूँ, बोले ये दुनिया की सृष्टि करने वाले, मैं भी अपना पांडित्य बुद्धि दे करके भगवान को मैं भी समझने के लिए गया था,
लेकिन मेरी बुद्धि भी वहां काम नहीं की, मैं भी फेल हो गया हूँ, हाँ मैं भी प्रभु को समझ नहीं पाया। इसलिए ब्रह्मा कहते सारे अभिमान को पहले त्याग दो हैं, और अपने आप को क्या समझो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर भगवान की भक्ति करना हमारे अंदर में चार गुण आने चाहिए। बोले चार गुण में क्या है? बोले त्रिनाद विसुनी चेन तररपि सही सुनना। पहला गुण है घास से भी अपने आप को दीनहीन मानना है। जैसे घास को ऊपर पैर रखो उसका सर नीचा हो जाता है, फिर पैर हटाओ फिर सर ऊपर आ जाती है, क्योंकि उससे भी अपने आप को दीनहीन मानो। दूसरा गुण किया है बोले पेड़ से भी ज्यादा शहर से बोलना चाहिए। जैसे आप जा रहे हो पेड़ में एक आम है, उठाया एक पत्थर और वो पेड़ को मारे, लेकिन मारा तो अपने पेड़ को, लेकिन पेड़ ने क्या दे दिया? अंदर के फल दे दिया है, पेड़ फल दे दिया। जा रहे हो देखा गर्मी का समय, सोचा थोड़ा पेड़ नीचे बैठा हूँ, एक टहनिया उसकी तोड़ दिया, तोड़ करके फिर नीचे बिछा करके बैठ गया। वो वृक्ष ये नहीं बताया तुमने मेरे को तोड़ दिया था, तभी तुम वो छाया दे रहे हैं। पेड़ को काट देते हैं, उसका हर चीज परोपकार के लिए वृक्ष होता है। महाप्रभु कहते हैं ये पेड़ से ज्यादा सहन शक्ति होनी चाहिए। और जो तीसरा गुण है जगत में सब जीव सम्मान दो, किसी को असम्मान मत करो, क्योंकि जितने जीव है सब भगवान की संतान है, सभी के हृदय में ठाकुर जी की निवास परमात्मा रूप में ठाकुर बैठे हुए। इसी भाव से हर जीव को सम्मान दो। इसलिए अगर इसकी भलाई नहीं कर सकते हो, इसकी बुराई कभी कभी भी इसकी बुराई नहीं सोचनी चाहिए, और स्वयं मान की इच्छा मत करो, सबको सम्मान दो और स्वयं कभी मान की इच्छा मत करो। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे पहले अपना सारे बुद्धि अपना घमंड को पहले छोड़ दो, छोड़ कर क्या करो बोले संतों की शरण में जा करके उनकी मुखार बिंद से कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी जो नदी रहती है उसमें स्नान करते रहो, स्नान करते रहो। और क्या करो जीवन में जो कुछ आता है कभी किसी की दोष मत लगाओ। जैसे हम कभी कभी बोल देते हैं अगर थोड़ी कोई कष्ट हो गया, अरे अमुक व्यक्ति ने हमारे साथ में ऐसे किया है इसलिए हमारी ऐसे होगी, कहते भैया किसी के लिए कुछ नहीं करता है, हमने जो कर्म किया कर्म का फल है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, हमने अपना कर्म का फल हम सबके सब भोग कर रहे हैं। कभी किसी को पर दोष मत लगाओ। उन्होंने उदाहरण दी कहते जैसे हम पेड़ बोगे ना बीज बोगे वृक्ष वैसे आएगा। अगर हम नीम का बीज बोएंगे बताओ वहां कौन सा वृक्ष आएगा? केले का ना चीकू आएगा? कौन सा वृक्ष आएगा? नीम आएगा। अगर हमने चीकू का बीज बोए तो वहां कौन सा वृक्ष आएगा? क्या नीम क्या जाएगा? वह चीकू का पेड़ आएगा। इसलिए ब्रह्मा कहते हैं हमने जैसे जैसे कर्म की ना वो कर्म के अनुरूप हम फल भोग रहे हैं। इसलिए कभी किसी को कभी दोष मत लगाओ और जीवन में जो कुछ आता है ना हंसते हंसते उसको भोग लो, हंसते हंसते भोग लो। और देखो और एक चीज समझो, कभी कभी होता है जब ज्यादा भजन कर रहे हैं, जब ज्यादा जीवन में दुख आ जाए ना, कभी दुख आ जाए कभी हम दुखी हो जाते हैं। क्या देखो जब जगत में हम पुण्य नष्ट करना चाहते ना पाप नष्ट करना चाहते, हम लोग बताओ जगत में हम पुण्य को नष्ट करना चाहते ना पाप को? कोई भी पुण्य नष्ट नहीं करना चाहते, सबसे सब पाप नष्ट करना चाहते हैं, तब भी ये पाप नष्ट होता है भोगा कर। अगर कोई कष्ट भोग रहे हो ये समझना हमारे दुख दूर होते जा रहे हैं, आगे सुख आने वाले हैं, आगे सुख आने वाले हैं। अगर हम भक्ति कर रहे हैं जीवन में कोई कष्ट आ गया, देखो दो तीन बात में समझाना चाहूंगा अच्छे तरह समझ लो, समझ लोगे ना फिर कभी किसी पर दोष नहीं लगाओगे, फिर अच्छे तरह से समझ लो। दो चार बात में बताऊंगा। कभी कभी हम भजन करते हैं अगर कोई दुख कष्ट आ जाएगा, कभी कभी हम बिलबिला जाते हैं, अगर कोई चीज नहीं
छोड़ना, पहले अपना माला छोड़ देते हैं, अपना भजन छोड़ देते हैं। कहते हमने भगवान की इतने भजन की और भगवान ने मेरे साथ में ऐसे किया। देखो एक स्टोरी सुनो ध्यान लगा कर। एक समय दो भाई थे, एक भाई तो खूब भगवान का भजन करते और एक पूरा नास्ती, भगवान भगवान कुछ भजन नहीं करता। और जो भजन करता था, जो नहीं करता था, वो जो भजन करने वालों को हर समय छोटी करता था। क्या दिन भर माला लेकर भजन करता, दिन भर ये पत्थर ठाकुर के सामने बैठे रहे तो बेकार, कुछ नहीं रखा हुआ इसी में, लेकिन भक्ति करता था। इतनी दोनों भाई निमंत्रण में जा रहे हैं, जाते जाते जो भाई भजन नहीं करता था उसको गया। उसने कहा देखा इतना भजन करते तो क्या मिलता, कुछ नहीं, और भजन नहीं करता मेरे को सोने की मोहर मिली। उसने देखा बात सही है, जब और थोड़ी दूर गए ना, जो भजन करता था उसको प्यारने के लिए गड़ गई, अब तो खून बहने लग गया। लिख लिया तो इतने कृष्ण कृष्ण राम राम करते हो, राधे राधे कर, तेरे को क्या मिला और मेरे को क्या मिला। इसलिए मैं कहता हूँ उसे बेकार जीवन, अभी जो भजन करता था दुखी हो गया, बड़ा दुखी हो गया। फिर भगवान को पुकारा, ठाकुर जी तेरा इतना मैं भजन पूजा पाठ करता हूँ और उसके सामने मेरी प्रदान करवाते हो। जब उन्होंने दुखी होगा, इतने भगवान ने आकाशवाणी की, बोले बेटा ये मत समझो भजन करने वालों को दुख होता है और नहीं करने वालों को सुख होता है। बेटा देख सुन लो, तुम्हारी पूर्व जन्म की बात सुन लो, आज जिसको सोने की मोहर मिली है, ये पूर्व जन्म में इतने दान इतने पुण्य किया था, आज का दिन तो ये राज दरबार में इसको लगने का था, राजा बनने वाला था, लेकिन वो मेरे निंदा करता है, मेरे भक्तों को निंदा करता है, इसलिए मैंने सारे पुण्य खत्म कर दी और ये सोने की मोहर देकर उसको बचित कर देता। तेरी बात सुन ले, पहले जन्म में तुमने के मर्डर किया था, आज का दिन राज दरबार में तेरी फांसी झूलने का था, लेकिन चूंकि तुम भजन करते हो भक्ति करते हो, तेरे सारे पाप मैंने खत्म कर दिए, क्योंकि मेरे तुम भक्ति करते हो इसलिए तेरे प्यार में एक लोहे का सिंह धारण में छोड़ दिया। इस बेटा तू ऐसे मत समझो, भजन करने वालों को कष्ट होता है, नहीं करने वालों को सुख होता है, कभी ऐसे मत समझो। आप लोग समझ गए कि नहीं? अगर भक्ति करते हुए अगर थोड़ी बहुत कष्ट आ गया, क्या समझो हमारे जीवन में बहुत बड़ी कोई विपत्ति आने का था, ठाकुर जी हमें थोड़ी सी कष्ट दे करके ठाकुर जी हमें पाल दिया है, ये चीज को हमें समझनी चाहिए। ठीक है ना, एक बार हाथ उठा करके बोलो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे आपसे एक मैं क्वेश्चन करता हूँ, अब ये चीज दिमाग में बैठ रही है। जैसे जैसे गांव में गेहूं की खेती होती है, देखे होंगे वो खेती करके गेहूं क्या करते हैं, ड्रम होता है, वो ड्रम के अंदर में गेहूं डाल देते हैं और उसका नीचे एक होल होता है, छिद्र होता है, जितना जरूरत वहां से निकालते। जैसे इसी साल गेहूं की खेती किया तो जो गेहूं का दाना इतना अच्छा नहीं हुआ, पानी ठीक से नहीं पड़ी, वो दाना हो गया छोटा छोटा, उसको ड्रम में डाल दो। दूसरी साल हमने जब गेहूं की खेती की, वो बहुत बढ़िया दाना हुआ, बड़ा बड़ा दाना हुआ, उसको ही ऊपर से डाल दो। आप ये बताओ जब नीचे से गेहूं निकालोगे, पहले कौन सा गेहूं आएगा, कौन बोलेगा कौन सा गेहूं आएगी, कौन सा छोटा लगना है, ऊपर से बड़ा डाल दिया ना। देखो यही चीज का दिमाग में बैठा, हमने कभी भी इसी जीवन में भक्ति तो करते हैं, लेकिन पहले जन्म में हम क्या आए थे अभी हमें पता ही नहीं,
हमने कहते भैया हम तो बड़े गेहूं डाले बड़े आने चाहिए, बोले हाँ बड़ा गेहूं आएगा लेकिन पहले तुमने जो छोटा गेहूं डाले हो वो पहले छोटा गेहूं खत्म हो जाए फिर बड़ा गेहूं आएगा, बड़ा गेहूं तो आएगा। उसी तरह जो भगवान की भक्ति करते हुए अगर कहीं थोड़ी बहुत कष्ट आ जाए, ये मत समझो हम भगवान को इतने पुकार रहा हूँ इतने भजन कर रहा हूँ ठाकुर मेरे साथ में इसे क्यों करते, ये कभी नहीं सोचनी चाहिए। ये ब्रह्मा जी ये बात को समझा रहे हैं, ठीक है ना। और कभी प्रभु की भक्ति मत छोड़ो, ब्रह्मा जी कहते हैं क्यों, उदाहरण दिया है जैसे पिताजी अथा संपत्ति है लेकिन बेटे को संपत्ति कम मिली, अगर बेटा अगर प्राण त्याग कर दिया फिर संपत्ति का मालिक बन सकता है, नहीं बनेगा। अगर वो जिंदा रहेगा तभी पिताजी की संपत्ति की मालिक बन सकता है। कहते ब्रह्मा जी कहते हैं हमारी मूल पिता कौन है, बोले भगवान है, भगवान रस स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान प्रेम स्वरूप है। भगवान तभी वो प्रेम धन को प्राप्त करते हो जब कंटिन्यू प्रभु की भक्ति करते रहोगे। इसलिए थोड़े मोड़े को आ जाए ना प्रभु का भजन कभी छोड़ना नहीं, प्रभु की भक्ति करते रहना। इसलिए ब्रह्मा कहते हैं जैसे किसको बोले प्रभु का भजन करो, कोई बोलेगा नहीं अभी समय नहीं आया, अभी बेटा का शादी हुई बेटी की शादी नहीं हुई। अभी जब बेटा बेटियों की शादी हो जाएगी ना हमारे सारे कर्तव्य पूरी हो जाएगी फिर भजन करेंगे। ब्रह्मा कहते नहीं भैया, भगवान जिस स्थिति में तुमको रखे उसी स्थिति में रह करके भजन करते रहो, उसी स्थिति में रहकर भजन करते रहो, क्योंकि जब भगवान की भक्ति करते रहोगे आगे भी इतना करते हो तुम करने मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। इसलिए प्रभु की भक्ति करोगे तो आगे भी बढ़िया स्थिति तुम्हारी आ सकती है। देखो एक समय एक राजा और एक मंत्री थे, तो जो मंत्री था बड़ा कृष्ण भक्त है, भगवान को पूर्ण विश्वास करता था, वो हर बात बात में बोलता था भगवान जो कुछ करते अच्छे करते हैं, भगवान कभी अमल किसकी कर ही नहीं सकते हैं। कहते ना मंगल भवन अमंगल। एक दिन राजा ये मंत्री दोनों जंगल में मृगया खेलने के लिए गए शिकार खेलने। अब शिकार खेलते राजा ये अंगुल घिस गया, महामंत्री मेरी अंगुल कट गया, लेकिन वो तो प्रभु मानता था, बोले देखो राजा ठाकुर जी जो कुछ कर रहे हैं ना अच्छे के लिए करते हैं, भगवान कभी किसी बुरा नहीं कर सकते हैं। बोले मंत्री ये जिंदगी भर के लिए मेरा अंगुल कट गया, आप कह रहे हो भगवान जो कुछ करते अच्छे लिए। मंत्री ठहर बोला भगवान किसी का कभी अमंगल कर ही नहीं सकते हैं, इसी में भी तेरा कोई कल्याण है, बोले जो कुछ करते सब में कल्याण है, बोले भगवान तो मंगल में है। कितना मंगल भवन अमंगल हरि, भगवान कभी अमंगल कर ही नहीं सकते। बोले ठीक है अगर हर काम में अगर प्रभु मंगल करते हैं अभी तेरा मंगल करके दिखाता हूं। एक सूखा हुआ थी राजा ने क्या किया, मंत्री करके ना कर अंधकार को हमें पड़े रहो मैं दिखूंगा तेरा कैसे भगवान मंगल करते हैं। राजा वापस आ रहा था, एक टापू का सरदार था, उसने माँ देवी भद्रकाली को सामने मनोदी रखा था, बोले माँ मेरे घर में एक बेटा का जन्म हो जाएगा ना तेरे सामने एक नवलिंग, अभी उसको घर में कैसे बेटा जन्म हो गया। वो जो टापू का सरदार था डाकुओं को भेज दिया जंगल में जो कोई इंसान मिले पकड़ करके ले आओ। अभी घूमते घूमते मिले राजा बड़े लंबे चौड़े सुंदर, बोले वाह माँ तो बड़ी खुश हो जाएगी पकड़ करके ले आए। राजा बोले हे भगवान किसकी फल्ले में पड़ गया हा? अभी ले आए राजा को, जब उसको बजने जा रहे थे उसको सर को फंसा दिया लकड़ी में, जब उसको बलि देने जा रहे तो उठाया तलवार, राजा छटपट छटपट रहा था, इतने में उसका नजर पड़ा कि जो अंगुल कटा हुआ उसमें खून टपक रहा है। नियम है माँ को सामने वही चीज बलि चढ़ेगी जो शरीर से पूर्ण हो, पूर्ण शरीर नहीं वो बलि नहीं चढ़ानी चाहिए तो पाप लगता है।
जब देखा तो खून टपक रहा है, वो जो उठाया था तलवार काटने के लिए उसने नीच दिया। बोले ये माँ देवी की सेवा की अयोग्य है, क्योंकि इसका जो अंग भंग है, अंग परिपूर्ण नहीं, इसको छोड़ दो। जब इसको छोड़ दिया ना, राजा ने देखा ये मंत्री तो सही बता रहा, ठाकुर जी जो करते अच्छे लिए करते हैं, अगर ये अंगुल मेरे कटा हुआ नहीं होता तो मेरे को तो पूरा के पूरा बलि चढ़ा देता माता को साथ। बोले मंत्री सही बताया, वापस आया। वो मंत्री को जो कुएं में फेंक कर रखा था उसको निकाला और उन्होंने सारी बात को बताया, ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुई, तुमने सही बताया। राजा ने कहा मंत्री एक बात मेरी समझ में आ गई, ठाकुर में चाहिए, लेकिन मेरे को और एक बात समझ में नहीं आई। बोले बताओ। बोले तेरे को तब से अभी तक मैंने जो ये अंधकार कुएं में डाल रखा था तेरा क्या कल्याण हुआ, तू तो ये अंधकार कुएं में पड़ा रहा ना। मंत्री कहता है महाराज कल्याण आपका किया हुआ कल्याण मेरी नहीं। बोले कैसे। बोले अगर तुम मेरे को ये अंधकार कुएं में धक्का मार करके नहीं गिरा था, दोनों चलते तो तेरा अंग तो कटा हुआ, तेरे को तो छोड़ दे और मैं पूरा के पूरा मेरे को पूरा के पूरा मैया के सामने बलि चढ़ा देते। तो राजा की पूर्ण विश्वास हो गया, मुझसे ठाकुर जो जो करते हैं हमारी अच्छे के लिए करते हैं। ब्रह्मा जी के सूत्र देते हैं दिया, हर समय प्रभु की भजन करते रहो। अगर जीवन में थोड़ी बहुत कोई विपत्ति है, जब हम प्रभु की भक्ति करते रहेंगे भगवान हमारे सारे बुरे कर्म को खत्म कर देंगे। जैसे वाल्मीकि बोले तो प्रभु का नाम लो, वो उसका मुंह से राम ही नाम नहीं निकला, इतने पाप किया था। बोले तो बोलता मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकता हूँ, हाँ मरा मरा तो बोल सकता हूँ, इसलिए उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि है ब्रह्म समाना, और नाम ले तो सिंधु सुखाई विचार कर सुमन मनवाही। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जिस देश में जिस बेद में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण रहो, हर समय में हाथ में जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मांग करो, और मुंह में क्या करो हाथों में काम, और मुंह में ठाकुर जी की मुंह में क्या करोगे ठाकुर जी की नाम जप कर ले। ठीक है, एक बार हाथ उठा करके बोलो भजन गान था। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे फल मिला। जब ब्रह्मा जी भगवान को स्तुति कर रहे थे, लेकिन भगवान इस तरह से प्रसन्न में इतनी अच्छी अच्छी बात बताई ठाकुर जी को, लेकिन ठाकुर सखाओं के साथ में बस ले और उनको सखा लोग ब्रह्मा जी को चौमा चौमा बोल के खिला दे। ब्रह्मा जी ने देखा अभी ठाकुर को स्तुति की, अभी मैंने उनका भक्तों को स्तुति करके देखता हूँ। ब्रह्मा जी भक्तों को स्तुति की, बोले अहो भाग्यम नंद गो ब्रजौ कसम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। बोलिए ब्रजवासियों का महिमा हम क्या बताए, कृष्ण कौन है, बोले पूर्ण ये ब्रह्म और सनातन है। लेकिन होते हुए भी देखो सखाओं का सखा बन गए, अगर सखाओं कोई मीठा फल मिलता है ना, बोले कन्हैया ये फल बड़ा मीठा है। बोले सारे खाओगे मेरे को नहीं, तो एक फल खा चुके हैं कृष्ण छीन ले उनका झूठा। अगर कभी सखाओं के खेले खेलते कभी कृष्ण हार गए तो बोले कन्हैया घोड़ा बन कंधे पर बैठा करके ले चलो, अगर कृष्ण भी बोलते नहीं बनूंगा सखा लोग कहते इसको आके कर दो, इससे कोई बात नहीं करना, कोई बात नहीं करना। कृष्ण कहते नहीं नहीं ऐसे मेरे को अकेले मत कर, मैं घोड़ा बोले माठ बन से चलो भाटी बट ले चलो।
भगवान घोड़ा बन करके सखा पे ले चलते हैं। कल सुन रहे थे ना, कृष्ण जब मक्खन चुकी मैया ने क्या की, कन्हैया को उखल में डाल देती है। जब कृष्ण मिट्टी आते हैं मैया क्या करनी है, कान खोल देती है उनकी, बोले देखो ये ब्रजवासी इतने भाग्यवान है। जब गोपियां मान करती है कृष्ण उनको मान बनाने के लिए जगह में गिर जाते हैं, कहते ब्रजवासी ने सौभाग्यवान पूर्ण ब्रह्म होते हुए भी उनकी सेवक बन जाते। जब ब्रह्मा जी इतने बोल दिया ना, कृष्ण तो मुस्कुरा दिया। फिर ब्रह्मा को पता चला ये भगवान का कमजोर काम है, समझ गए। कृष्ण सीखा देते हैं, मेरी स्तुति से मैं जितना संतुष्ट होता हूँ, अगर मेरे ब्रजवासियों को कोई स्तुति करे ना उसमें मैं ज्यादा संतुष्ट होता हूँ। ब्रह्मा जी भगवान को तीन परिक्रमा लगाए, बोले हे वो अगर कोई बोले ये पृथ्वी का धूल कण को कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते, प्रभु तेरे महिमा को कोई पार नहीं पा सकते। फिर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। ब्रह्मा किसको कह रहे हैं, बोले इंद्र को। बोले इंद्र ये कृष्ण ऐसे का बता रहे ना, वो सब जितने सब उनका चरण नाक रगड़े। बोले मैं क्या बताओ, बोले एक काम करो, कृष्ण का नाम गोपाल है जो गैया को पालन करते हैं, वो गैया को बड़े प्रेम करते हैं, जाओ जो मूल गाभी ये सुरभि गाभी इनकी ये बंसद है ये गैया है, जाओ सुरभि गाभी के अनुगत में जाओ और उनकी ले करके कृष्ण के पास में जाओगे ना, कृष्ण माफ कर देंगे। फिर ये सुरभि गाभी के अनुगत में उन्होंने कृष्ण के पास में गए तो उन दूत भगवान को उन्होंने अभिषेक करवाया। अभिषेक करके भगवान का एक नया नाम रखा, गोविंद नाम रखा। और अब गोवर्धन गए हो परिक्रमा, परिक्रमा कौन कर लाए गिरिराज जी। अब देखना परिक्रमा करते करते बीच में एक गोविंद कुंड आता है, वही पर ही कृष्ण को उन्होंने अभिषेक करवाया और एक नया नाम गोविंद नाम रखा। कृष्ण ने डांट लगाए, बोले इंद्र तेरे मन में अभिमान आ गया था, मैं स्वर्ग का इंद्र हूँ और मैं बारी बरसाता हूँ तभी ये ब्रजवासी जिंदा है, खबरदार कभी अभिमान नहीं लाना, तुम्हें पता नहीं ये ब्रजवासी कौन है, इनकी एक चरण धूलि में इतने शक्ति है, तेरे जैसे कितने इंद्र चंद्र प्रकट कर सकते हैं, कितने ये स्वर्ग राज्य को प्रकट कर सकते हैं, ब्रज की एक चरण धूलि में इतने शक्ति है, तेरी अभिमान हो गई थी, तेरे अभिमान को करने के लिए मैंने सब काम की, कभी अभिमान नहीं करना, प्रभु मेरे अपराध को माफ कर दो। और उन्होंने फिर अपना इंद्र पद में चले गए। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय। एक भजन सुन बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। ओ हरि का हरी है तुम्हारा, हरी है तुम्हारा।
से माता काता है की पूजा करती है। ये मंत्र में दो काम होता है, इसी मंत्र में तो भगवान कृष्ण भक्ति बन जाते हैं। और इसी मंत्र में इसी जगह में जो लड़कियों की शादी नहीं होती है, अगर ये मंत्र को पाठ करे तो जल्दी जल्दी शादी हो जाती है। देखो ये मंत्र कितने शक्ति है।
महामाये महामाए उपलब्ध किया। बोले जो असंभव है वो संभव कर सकते हैं अपना माया शक्ति से, जो अघटन घटन पड़ेसी, क्योंकि कृष्ण को पाना कोई इतने आसानी बात नहीं। लेकिन ये गोपियां कहती हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महाजोगी, हे अधीश्वरी, आप हमारे ऊपर में कृपा करो। बोले क्या कृपा? बोले नंद गोप सुतम देवी, बोले नंद बाबा का जो बेटा जो कृष्ण जैसे हमारे पति बन जाए। उन्होंने एक महीना तक उन्होंने इसी मंत्र से रेती में बड़े सुंदर कात्यायन मूर्ति बना करके उन लोगों ने पूजा की, और पूजा की कात्यायन की, लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। प्रकट होकर के उन्होंने आशीर्वाद दिए, बोले तुम लोगों को साथ में मैं शरद पूर्णिमा में दास करूंगा। ये गोपियों की उम्र कितना थी? बोले कोई 2.5 साल के, कोई 3 साल के, कोई 4 साल, इतनी छोटी छोटी गोपी थी। हाँ प्रश्न होता है, आप बताओ 4 साल की किसी लड़की को पूछो भैया पति क्या होता है, उन्होंने कुछ पता है पति क्या होती है? लेकिन ये लोग प्रार्थना करते कृष्ण हमारे पति बन जाए, ऐसे क्यों? ये गोपियां देखने के लिए छोटी लगती है, लेकिन छोटी नहीं है। इसे हम पहले सुने थे, ये गोपियां कौन है? बोले ये दंडकारण्य में लाखों सालों से ये गोपाल मंत्र में आराधना कर रही थी भगवान कृष्ण की। जब भगवान राम पहुंचे, जब भगवान राम पहुंचे, अभी राम सामने एक ही है, अभी उन्होंने राम को देख करके ना श्याम की बाकी व्यार किया याद आए, तब उन्होंने प्रभु राम को बोले प्रभु हमें पत्नी रूप में स्वीकार कर, बोले शरीर दिया है ऋषि। भगवान राम ने कहा देखो ये रामावर ने, मैं एक पति व्रतधारी हूँ, एक सीता शिवाय और किसी को मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। हाँ इसलिए भगवान राम है ना जब तक शिक्षा दे रहे, देखो एक पत्नी को सीने, एक को सासुर को साथ में प्रेम कर रहे हो, भगवान ये शिक्षा नहीं देते। इसलिए माता सीता भी ये शिक्षा दी, रामचंद्र ने जब उनको चिरकाल के लिए त्याग दी उन्होंने और किस शादी कर ली, बोले नहीं भगवान राम मेरे खुद है। इसलिए बोले देखो हम तो किसी अवतार में और किसी को स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए जब कृष्ण बन करके आऊंगा तुम सबके सब गोपी बन करके आओ। इसलिए दरकार ने की सब ऋषि मुनि हैं, और दूसरी और कौन है कि तो वेद का जो मंत्र था ये मंत्र मूर्ति रूप लेकर के गोपी रूप में आराधना की। जब कृष्ण दर्शन दिए बोले क्या चाहते हो? बोले प्रभु आपका गोपियों ने जैसे शक्ति से प्रार्थना की थी हम गोपियों का जैसे भाव पाना चाहते हैं। बोले नहीं और कोई चीज प्रार्थना करो। बोले नहीं हम यही चीज चाहिए। बोले ठीक है, तो बोले द्वापर युग में सब गोपी बन गया, तब पूरी करेंगे। कहती और उन्हें सब गोपी बन करके आए। बोले राधा रानी का ये सब गोपियां सब गोपी बन करके आए। और जिस समय भगवान राम जनकपुरी में गए, राम लक्ष्मण अपना गुरु जी विश्वामित्र जी से बोले, बोले गुरु जी थोड़ा आगे से दो, हम चाहिए जनकपुरी को छत दर्शन करके आए। बोले दर्शन नहीं, दर्शन दे करके आओ। अभी राम लक्ष्मण जब जनकपुरी में प्रवेश किए, बड़े रहे प्रभु, एक श्याम रंग के, एक गौर रंग के, पिता
अगर राम सर्व उठा कर उठाए तो हम दर्शन मिल जाए। इतने में लक्ष्मण पीछे पीछे चल रहे थे, बोले लक्ष्मण कौन है? बोले लक्ष्मण ये गुरु जी है। बोले गुरु जी का काम क्या है? बोले जीव को भगवान को साथ में मिला दे। इतने में लक्ष्मण ने प्रभु राम को बोले, बोले प्रभु थोड़ी सी ऊपर सर उठा के देखो, क्योंकि ऊपर में वो सखियां देखना चाहती है। प्रभु राम ने कहा लक्ष्मण सर नीचा करके चलो, ये मायापुरी जनक महाराज का पुरी, ये मायापुरी खबरदार सर ऊंचा नहीं नीचा करके चलो। बोले प्रभु एक बार देखो ना, जब भगवान राम थोड़ी ऊपर देखे ना, उनकी रूप देख के जितने ईश्वरियां सबके सब बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए, जब होश आया ना, सबके सब प्रभु राम के पीछे पड़ गए। बोले हमसे शादी कर लो। हम इसी अवतार में केवल एक सीता को छोड़कर किसी को शादी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम लोग सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ। ये सबके सब द्वापर में ये गोपी बन करके आई, ये गोपियां कोई लड़की नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्म का तपस्या से ये सबके सब गोपी बने हैं। अभी हम सुनेंगे शंकर भी गोपी बन करके आए, गोपी सर्वाधिक रूप में स्वयं भोले बाबा भी आए हैं, इसलिए भगवान ने उनका आशीर्वाद दिया। तुम लोगों को साथ में सद पूर्णिमा में मेरा भगवान बंसी बैठे को नीचे आए आकर सिद्ध गोस्वामी एक महत्वपूर्ण श्लोक को उच्चारण करें। बोले भगवान अपि तरात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंत मनश्चक्रे जोग माया मुपासनिता। यहाँ पर कह रहे हैं बोले भैया ये रास रचया कौन है? बोले भगवान, ये जीव नहीं है, ये भगवान। भगवान क्या है? भग मतलब होता है ऐश्वर्य, बान मतलब है जीव को अंदर में छह ऐश्वर्य पूर्ण रूप में, वो भगवान है, हैं? इसलिए आप इस जगत में देखना कृष्ण कितने गोपियों को साथ में रास रचाए, सौ करोड़। कृष्ण हर जब ब्रजगाम गए कितने शादी की? 16108। लेकिन ये संसार में देखना हम एक पत्नी को भी संभाल नहीं पाते, एक पत्नी को भी संभाल नहीं पाते। देखना एक लड़की जब शादी होकर किसी अपना जा रही थी अपना ससुर घर में, अब देखा लड़की बहुत रोती है, वो बहुत रो रही थी, लेकिन उनको समझा रहे भी समझ नहीं थी, रो रही थी। इतने में पत्नी ने कहा क्यों रो रहे हो, चुप हो जा। देखो वो लड़की क्या कहती है, बोले शादी का पहला दिन में जो रोना रो लिया, अभी मेरे को जीवन में रोना नहीं, अभी तेरे को सारा जीवन रोना नहीं, अभी तेरे रोना शुरू है कि मेरा रोना ही पर समाप्त। इसलिए देखना एक पत्नी को ही संभालना कितना कठिन, इसी कृष्ण कितने गोपियों का साथ में सकती है, कितने मैं जो 16108। इसीलिए एक समय एक व्यक्ति दो पत्नी थी, पति दिन भर काम करता है बाहर, अभी जब घर में आए सोचता है भैया घर घर में जाकर थोड़ा चैन मिलेगा, लेकिन दो पत्नी घर में आए तो महाभार, वो कह दिया पैसे बोल दिया उसने मेरे पहले। अब पत्नी देखा रोज घर में झगड़ा झगड़ा, बाहर भी परेशानी घर में भी परेशानी, ने सोचा ये दोनों के लिए दो मंजिल बना देता, एक ऊपर रहेगी नीचे रहेगी, दोनों शांति में रहेंगे। अब नीचे जो रहती है वो क्या करती, वो खाना पीना बना करके ना बाहर बैठ रहती है, जब पति आए जो जबरदस्ती पकड़ करके अंदर ले जाती। अब जो ऊपर रहती है बचा, एक जो ऊपर रहती है वो भी खाना ना बना करके नीचे आकर बैठे। जब पति आया रोज रोज नीचे चले जाते हो, ऊपर बैठ रह जाते, चलो घर में जाओ। जब वो ऊपर ले जा रही थी ना, इतने में नीचे थी, बोले कहाँ जा रहे हो? अरे मैं भी तो खाना बना करके बैठी हुई हूँ। एक तो ऊपर उसका हाथ पकड़ करके ले जा रही थी, और जो नीचे थी ना उसने टांग पकड़ ली, एक हाथ पकड़ लिया और एक टांग पकड़ लिया, अब दोनों को छोड़ने के लिए तैयारी नहीं। उसी समय घर में एक चोर चोरी करने के लिए आया था, वो चोरी क्या करा, नाटक देखना शुरू कर दिया है, वो बड़े देर में जाकर
क्योंकि जब झड़ा खत्म हुई देखा एक चोर अंदर में घुसा हुआ चोरी करने के लिए, बोले भैया चोर चोरी उसको पकड़ करके ले गए पुलिस के पास में, बोले बताओ क्या सजा देंगे, बोले देखो मेरे जो सजा देना दो एक ही सजा मत दिया करो, बोले कौन सा सजा, बोले मेरे घर में दो बीवी नहीं चाहिए ये सजा मेरे तो मत दिया करो, मैंने देख लिया अगर घर में दो बीवी हो तो घर में क्या लड़ाई, लेकिन कृष्णा कितने महिषियों के साथ में थे 16108 बटराणी, इसलिए एक दिन से नारद जी देख लिए गए, बोले घर में अगर दो पति हो जाए रोज महाभारत कृष्ण इतने को कैसे संभाल रहे हैं। जब नारद जी द्वारका में पहुंचे रुक्मिणी के घर में गए, सब महिषियों का अलग अलग महल थे, जब रुक्मिणी को घर में गए देखा प्रभु जी रुक्मिणी को साथ में बैठ करके पासा खेल रहे थे, भगवान नारद जी को स्वागत के चरण धोए उनको सिंहासन में बैठाए उनको चरण की पूजा की, अभी उन्हें विदाई दिया उन्हें सत्य भाव घर गए, जब वहां पर गए देखा प्रभु यज्ञ कर रहे थे और कृष्ण जब नारद आए उनको स्वागत उनको आसन देख बैठाए, जब विदाई दिया फिर उन्हें गए मित्र बिंदा जी घर में देखा प्रभु जी बच्चों को लेकर पढ़ाई पढ़ा रहे थे, अभी नारद जी जिस घर में गए प्रभु जी को उन्होंने अलग 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 करते हुए देखे, अब जिस घर में प्रभु जाते हैं कृष्ण कहते बाबा आप तो बड़े दिन में आए, नारद बोलते अभी अभी मेरे को प्रभु विदाई दिया और अभी कहते आप बड़े दिन में आए, उन्होंने सब घर में अलग 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 रूप में प्रभु लीला करते हुए देखा, इसलिए श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं बोले भैया जो रास रचे आए ना वो जीव नहीं है, वो कौन है, बोले भगवान है, ये साधारण नहीं ये भगवान रास करने वाले सभी जीवों को जो इच्छा भी करने वाले एक साथ में करोड़ों जागा उनका करोड़ों भक्त उनको उपासना करते हैं, एक साथ में प्रभु करोड़ लेकर के करोड़ जागा में प्रभु दर्शन करते हैं, इसलिए कोई जीव नहीं ये स्वयं भगवान कृष्ण है, इसलिए कहते जब भगवान बंसी बटो नीचे आए और नीचे आकर उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने बंसुरी बजाई, बोले कौन सा बंसी कौन सा शब्द आए, बोले जगो कलो मद्रिता मन्ना है, तो बंसी से जो शब्द आई उसका नाम था क्लिंग शब्द, लेकिन भगवान तो क्लिंग शब्द को उन्होंने निकाले लेकिन राधा सुन रही थी केवल बंसुरी से केवल राधे 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 नाम निकला, विशाखा सुन रही थी बंसुरी से केवल विशाखा 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 शब्द निकल रहा था, ललिता सुन रही थी बंसुरी से केवल ललिता ललिता शब्द आ रही थी, सब गोपियां अपना अपना नाम को सब के सब सुन रही, इतने में अभी जब उन्होंने सुनी उसी समय में कोई पति की सेवा कर रहे थे कोई अपना श्रृंगार कर रहे थे कोई बच्चे को दूध पिला रही थी कोई रसोई बना रही थी, लेकिन जब भगवान ने बंसी ध्वनि उन लोगों ने उसी उसी अवस्था में सब कुछ उन्होंने त्याग दिया, अब त्याग दे करके उन्होंने भगवान के प्रति दौड़े, जब दौड़े इतने में कुछ गोपियां तो घर से निकल करके चली गई लेकिन कुछ गोपियां नहीं जा पाई, उनको पति ने बंद कर दिया, बोले क्यों गई कौन और नहीं जा पाई कौन है, बोले गई वही है जिनकी पति को साथ में जिनका कोई सही संबंध नहीं था वो पवित्र थी, लेकिन किनको रोग दी गई, बोले जिनके शरीर पति को साथ में संबंध था वो शरीर पवित्र है, इसलिए भगवान उसको स्वीकार नहीं कर सके, इसलिए उनको चोग माया उनको जाने नहीं दी उनको पते और रोग दिए, कहां जा रहे हो बीच रात में कल्पना टांग तोड़ देंगे निकलेगा तो कोई डूब जाओ, उनको रोग दिया इतने उन लोगों ने हृदय से बोले हे प्रभु आज दिव्य जो रास है आज हम ये दिव्य रास में हम सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, इसलिए हे प्रभु आप कृपा करें हम स्वीकार करो, जब हृदय से उनकी उत्कंठा और हृदय से उनका विरह आई उसी शरीर तो वहीं पर छोड़ दिए लेकिन वो आत्मा शरीर से पास चले आए,
जब आत्मा शरीर से कृष्ण को पास में आए तब तो भगवान उनको स्वागत करते बोले स्वागत महाभागा। भगवान ये स्वागत शब्द दो बार प्रयोग किया है, एक तो गोपियों के लिए स्वागत और स्वागत उन्होंने शब्द प्रयोग किया जब कृष्ण सखाओं को साथ में प्रभु गोचार में करने गए थे। सखाओं ने कहा कि यहाँ भूख लग रहा है, कुछ खाने पीने का भी व्यवस्था अगले पास में यज्ञ हो रही है, जाओ ये यज्ञ में जाकर ब्राह्मणों से प्रार्थना करो। लेकिन ब्राह्मणों ने सुनी नहीं, बापा उन्हें पति पास में जाओ, ये पतियाँ बड़े बड़े भक्त हैं, बोले इतने बड़े बड़े वेद वेदांत पढ़ने वाले जो तेरे को समझ नहीं पाए, और ये स्त्रियाँ जो अपवित्र रहने वाली जिनकी जनेऊ संस्कार नहीं और जिनको वेद में अधिकार नहीं, वो तेरे को क्या समझेंगे। बोले देखो ये जो भक्ति है ना, ये भक्ति किसी को ऊपर निर्भर नहीं करता है, इस अंदर में इतने क्वालिफिकेशन हो तब भी कोई भी भक्ति कर सकता है ऐसे नहीं। भक्ति के लिए केवल एक चीज चाहिए, श्रद्धा और भक्ति प्रेम। भगवान केवल प्रेम की भूखे। देखो कथा में कौन कौन बैठे हैं, माताएं ज्यादा बैठी है, पुरुष लोग कम है, माताएं ज्यादा है, इसलिए क्योंकि क्योंकि पुरुष लोग है ना, उन्हें प्रभु के लिए खाना नहीं दिया, इसलिए कृष्ण बोले देखो जाओ उनको पत्नियों को पास में, पत्नियों को पास में गए भाई, यहाँ पर कृष्ण बलराम पास में आए, गैया चराते भूखे हैं, वो खाना मांग रहे हैं, वो यज्ञ के लिए जितने लड्डू कचौड़ी मालपुआ यज्ञ के लिए जितने बना हुआ था ना, उन लोगों ने सबको लेकर के भगने लगे। किसने जाकर के ब्राह्मण को बोल दिया, बोले क्यों ब्राह्मणी तुम लोग यहाँ यज्ञ में स्वाद स्वाद कर रहे हो, जितने लड्डू कचौड़ी मालपुआ बना था ना, तुम्हारी पतियां तो सबसे लेकर इसके लिए आ रही, इतने में तो ब्राह्मण लोग दौड़े वहां से चोटी खड़ा करके, जब चोटी खड़े करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं, इतने में बोले हो खबरदार घर से बाहर निकल सकते हो। इन्होंने बोले हम तो तुम्हारे घर में नहीं आएंगे, हम तो वही कृष्ण पास में रहेंगे और वहीं पर ही उनको भक्ति करेंगे, खबरदार घर में उसने नहीं देंगे अगर आओगे तो। बोले तेरे घर में नहीं आना हमें, हम तो वही रह करके सामने बैठ गए, बोले वही बैठ करके कृष्ण जो आ जाए आगे बन जाए, इसलिए हम तो कृष्ण को पास में रह करेंगे। सबसे लड्डू कचौड़ी माल बोला उन्होंने भगवान कृष्ण को उन्होंने खाना खिलाया। जब कृष्ण को पास में आए ना, भगवान कहते हैं बोले स्वागत महाभागा। कृष्ण केवल स्वागत केवल दो व्यक्ति के लिए, एक गोपियों के लिए और एक रमणी के लिए। बोले क्यों, क्यों उन्होंने द्वितीय के लिए प्रयोग किया, देखो कृष्ण क्या शब्द कहते हैं, बोले स्वागत में महाभागा। तुम लोग में इतने भाग्यवान हैं, सब सौभाग्यवान हो तो, बोले तुम लोग जगत में सबसे सौभाग्यवान क्यों, बोले जगत का सारे बंधन को तोड़ कर तुम लोगों ने मेरे पास आए हो। लेकिन जगत में देखना बेटा, अगर सिगरेट फूंकता है ना, शराब पीता है, बोले वेरी गुड बेटा, मेरे बड़ा सिगरेट फूंक रहा है ना, शराब पी रहा है, लेकिन अरे बेटा इस प्रभु का माला ले ले तिलक लगा दे, बोलेंगे ये कोई उम्र तेरे है, ये भजन करने कोई तेरे उम्र है, हैं ये कोई तेरे उम्र है, भजन करने का ये उम्र नहीं हुआ, लेकिन सारने का उम्र है और बीड़ी फूकने का सिगरेट फूकने का ये उम्र है। ये दुनिया ऐसे है ना, अगर कोई गधा काम करता है देखा दुनिया कुछ नहीं बोलता है, लेकिन थोड़ा अगर उनका भक्ति करना शुरू कर देना बात, सारा दुनिया उसको उसको सारा दुनिया उसके पीछे बढ़ जाते हैं, कहती कोई भक्ति करने की। इसलिए इन लोगों ने किया सारे बाधाओं को तोड़ करके, सारे बाधा को तोड़ करके इन लोगों ने प्रभु के पास में आए। इसलिए भगवान कहते हैं पृथ्वी में सबसे ज्यादा सौभाग्यवान तुम हो। लेकिन जब ये यज्ञ पत्नी आई कृष्ण को भोजन कराए, कृष्ण बोले घर में चले जाओ, बोले और हम जा नहीं सकते, हमने बोल करके आए
हमने बोल कर गाय तुम्हारी घर नहीं आनी, अभी हम बड़ी आदर नहीं करेंगे, नहीं जाओ। सचमुच से वो जो पति लोग थे ना, बाद में अपना को इतने धिकार उसने दिया, बल्कि हमारे जीवन का धिकार है। इतने वेद पढ़े हमने, इतने पुराण, इतने उपनिषद पढ़े, सारे वेद का तात्पर्य क्या है, सारे ग्रंथ का तात्पर्य क्या है, प्रभु का प्रेम। इसलिए मीरा कहती है, प्रेम ढाई अक्षर पढ़ा सो पंडित होई। जग में सबसे बड़ा पंडित कौन? प्रेम, जो ढाई अक्षर जिसे पढ़ लिया वही सबसे बड़ा पंडित है। उन लोगों ने अधिकार दिया, जब पत्नियों ने वापस आना, पतियों ने उनको चरण में गए, बोले तुम लोग वापस भी रहने वाले, वेद में तुम्हारी अधिकार नहीं, तुम्हें जनेऊ रचा रही। देखो कहा स्वयं वेद का जो स्वयं प्रतिपादक विषय है, कृष्ण गीता में कहते हैं वेदैश्च सर्वम् अहमेव वेद्यम्। ये सारे वेद पुराण का सार कौन है? बोले भगवान है। और ये भगवान की भक्ति है। बोले देखो तुम लोगों ने हैं जा करके भगवान को भोजन करवाया, भगवान को तुम लोगों ने दर्शन की, लेकिन हम इतने वेद पढ़ पढ़ कर जीवन हमारा अधिकार है, हमारे जीवन का अधिकार है। फिर उन्होंने उनकी चरण में दी और माफी मांगी है। इसलिए भगवान केवल दो बार स्वागत शब्द प्रयोग करते हैं। बोले क्यों? यदि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं जगत में वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन हम क्या बोलते हैं ज्ञान का, हम तो अपना बेटा बेटियों को बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनाएंगे। हम बहुत बड़ा स्वप्न है, हम तो बेटा बेटियों को हीरो हीरोइन ही बनाएंगे हैं। बोले भैया जो 20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे जगत में उसका कोई नाम ले रहा है क्या? अभी कोई हीरो हीरोइन का नाम जगत में कोई लाए? लेकिन हनुमान जी का नाम देखो, तुलसीदास जी का नाम देखो, ध्रुव जी का नाम देखो, प्रहलाद का नाम देखो, मीराई का नाम देखो, जगत में अमर हो गए ना। इन्हें भगवान शिक्षा देते, भैया बड़ा बनना चाह रहे हो ना, भगवान की भक्त बन के बनो। जगह जितने पोस्ट है सब खत्म होने वाले, कोई पोस्ट रहने वाले नहीं जगत में, सब खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर एक नाम अगर तुम्हारी हो गई भगवान की, तुम अगर भक्त बन गए तो जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक तेरी जगत में पूजा की रहेगी, तब तक तुम्हारी जगत में नाम होते रहेगा, हर नाम हमारी अमर हो जाएगी। इसलिए दुनिया जब आती है भगवान स्वयं उनको महाभागा बोल करके उनको स्वागत करते हैं, हैं उनको प्रभु स्वागत की। लेकिन भगवान ज्यादा पुरुषोत्तम है प्रभु भगवान। भगवान ने कहा देखो अच्छी बात है, तुम लोग आए हो मेरे पास में आए हो, वृंदावन के स्वभाव बदलो, और तुम लोग पतिव्रता नारी, पतिव्रता नारी का धर्म है पति की सेवा करनी चाहिए। पति लंगड़े लूढ़े निकम्मा कुछ क्यों नहीं हो, पत्नी का धर्म क्या है? पति की सेवा है। और जो पतिव्रता धर्मों को जाजन करते हैं उसमें बड़ा शक्ति है। और भगवान ये भी कह रहे हैं देखो अर्धरात्रि में स्त्रियों के लिए अकेले बाहर जाना मना है। देखो भगवान एक बहुत बड़ी चीज सिखा रहे हैं, स्त्रियों को अकेले रात में बाहर नहीं जानी चाहिए। भक्ति क्या देती है? इसमें पहले स्त्रियां घर से कोई बाहर नहीं हैं, इसलिए अकेले जाने की मना किया ठाकुर जी ने, हैं इसलिए ठाकुर जी ने मना की। भगवान ने देखो तुमको एक स्टोरी सुना था, अगर जो स्त्री जीवन में अपना पति प्रता धर्म को जारी करते हैं, ये पति प्रता धर्म की कितने शक्ति है। बल एक समय दो पति रहते थे, छोटा सा जो अपना उठने पर ही चलना सीखता है, और पहले जो रोसी बनाते थे चूल्हे में कड़ी में बनाते थे, उनकी पत्नी थोड़ी देर ही पहले उन्होंने खाना उन्होंने बनाया और चूल्हे में अगर भड़क रही है, इतने में जो पति पत्नी की गोद में सर सर रख करके पति सो रहा था, सोते समय वो जो बच्चा था ना इतने में उसकी नींद खुल गई, नींद खुल गई तो उसने घुटन पर चलते 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 चूल्हे को पास में चला गया। अभी वो चूल्हे को गिरने वाला,
अभी पानी तो भी धाम पड़ी गई, बोले मुझे क्या करनी चाहिए। अगर हम बच्चे को रक्षा करने के लिए आती ना, फिर बच्चे का जो पति मेरे जंगे को पर सर करके सो रही, फिर उनका नींद खराब करना पड़ेगा मेरे को। मैं पति प्रथा नारी हूँ, मेरा पहला धर्म है पति की सेवा करना। अभी वो बच्चे मर गई, अगर पति को जगह नहीं दिखा हुआ बच्चा चला कर देगा, बच्चा मरेगा। वो सोच रही है मेरा पहला धर्म है अपना पति की सेवा। उसने कुछ बोली नहीं, वो देखते देखते चूल्हे में गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद पति का नींद खोली, बोले लाला कहाँ है, बोले तो चूल्हे में गिर पड़ा। बोले तुमने लाला को रखने की आ मेरे जगह को सर सर कर सो रहे थे, फिर आपका नींद खराब होता। मैं पति व्रता नारी हूँ, मेरी पति व्रता धर्म टूट जाती। बोले चलो चलो हम देखते हैं क्या हो रहा है। जा करके देखा इसकी पति व्रता धर्म में इतनी शक्ति थी, वो चलते हुए चूल्हे को अंदर बच्चा भिखारी मार कर खिला था। वो बच्चा का कुछ नहीं हुआ, क्यों? इसकी पति व्रता धर्म के सामने ये जो अग्नि है ना वो शांत हो गई। कृष्णा ने कहा तुमने देख लिया जो पति व्रता धर्म जाजन करती है उसमें कितने शक्ति देखा। इतने में गोपियों ने बोले, कहते हम भी पत्नी बोली आप बाहर जाओगे तो मैं जो श्रृंगार किसके लिए करती हूँ, किसके लिए श्रृंगार करती हूँ? तुम्हारे लिए तो श्रृंगार करती हूँ ना। ये बिस्तर में किसके लिए सजाते हूँ? तुम्हारे लिए ना। ये खाना क्यों बनाती हूँ? तुम्हारे लिए ना। जो कुछ करती हूँ तो तुम्हारे लिए करती हूँ। अब तुम बोल रहे हो तुम बाहर जाओ, फिर मैं इसके किसके पूजा करूंगी? पर देखो मेरे को जरूरी काम है, मैं अपना के फटो रख दे करके जा रहा हूँ। जब तक नहीं आऊंगा फटो को पूजा करते रहना। बोले ठीक है, जो फटो की पूजा कर रही हूँ। कुछ दिन बाद में पति आ गया, उसने दरवाजा खटखटाया। अभी गोपियों ने बताया अब बताओ अभी उसको क्या करनी चाहिए। बोले पति आ गए, फिर पति को स्वागत करो। इसलिए बोले कृष्णा तुम कौन हो? तुम जगतपति जगन्नाथ हो। तुमने तो बताया ना तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें वो विद्याम द्रविण तुम्हें और तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। तू तो जगतपति जगन्नाथ हो। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी शरण में आ जाते हैं इसलिए वो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड की पूजा करना उसको हो जाता है। बोले कृष्णा तुमने जो इतनी सुंदर सुंदर तुमने उपदेश दी है, इसलिए बोलते ना कृष्णा बंदे जगत गुरु। कृष्ण कौन है? ये जगत गुरु है कृष्णा। इसलिए अनंत गुरु पूज्यम ततश्चैव मम अर्चनम। पहले गुरु जी की पूजा फिर भगवान की पूजा। तू जगत गुरु हो इसलिए पहले पूजा तेरी करनी चाहिए। कृष्ण प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के फिर कृष्ण गोपियों के साथ में प्रभु रास करते हैं। एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी। भगवान जब नृत्य कर रहे थे, नृत्य करते समय ठाकुर जी अब एक आंख में जो काजल पहन करके आए थे, ठाकुर जी उनको दूसरे आंख में लगा दिए। जो आधा कपड़ा पहन करके आई, ठाकुर जी उनको पूरा कपड़ा पहन दिए। हाँ को कमर में कमर कर धनी को गले में पहन लिया था, ठाकुर जी पूरा उनको श्रृंगार ठाकुर जी कर दिया। यहाँ शिक्षा देते हैं अगर हमें कोई पूर्ण रूप में श्रृंगार करवा सकता है कौन कर सकते हैं? ठाकुर जी हमें श्रृंगार करा सकते हैं। भगवान जब नृत्य कर रहे थे अगर पसीना निकले ना, ठाकुर जी दोपड़ा लेकर उनको पसीना भी पोंछ रहे थे। देखो स्त्रियों में एक दोष है, जानते हो क्या दोष है? अगर पति ज्यादा प्रेम करता है ना फिर पति का समय चलेगी। दोष है गोपियों के अंदर में। बोले देखो, लेकिन ये गोपियां ये नहीं देख रही थी एक कृष्ण एक कृष्ण कृष्ण एक गोपी, वो नहीं देख रही थी। वो हर गोपियां देख रही थी कृष्ण राधे, लेकिन अकेली केवल राधा रानी देख रही थी कृष्ण मेरे पास में है। और कृष्ण हर गोपियों के पास में कृष्ण सब
सबको पास में कृष्ण नृत्य कर रहे, केवल श्री राधा रानी देख रही थी। अभी गोपियों को अंदर में ना सौभाग्य मद हो गई। सौभाग्य मद मतलब क्या है, भले हमारे बगैर तो कृष्ण का चले, जैसे कभी कभी इसी जगत में होता है बड़ा प्रेम करता है पति भले हमारा खाना नहीं खाना कौन खिलाएगा, अगर मैं कपड़ा प्रेस नहीं करूँ कौन कपड़ा इनका प्रेस देगी, मैं घर नहीं। अभी तो गोपियों के अंदर में सौभाग्य मत प्रकट हो गया है जगत में हम सबसे ज्यादा पुण्यात्मा है। देखो कितना हमें कितने प्यार करते हैं, कितने प्रेम करते हैं कृष्णा, इनके अंदर में इतनी भावना। स्वतंत्र नायिका, स्वतंत्र नायिका का मतलब होता है हमें तो राधा जी की कोई जरूरत नहीं, हम स्वयं बोलना है। कृष्ण देखा भैया गड़बड़ी हो गया, क्यों बोले राक्षेश्वरी है कौन, बोले श्री राधा रानी, यही राक्षेश्वरी है, इनके बगैर रास संभव है, लेकिन अभी इनके अंदर में अभिमान है राधा जी कोई जरूरत नहीं, हम तो पूर्ण ही। कृष्ण को मन में बड़ा आघात लगा और राधा जी की मान हो गई, कृष्ण ने देखा गड़बड़ी हो गई, अभिमान हो गई, इसलिए अर्जुन को ताक देनी चाहिए। इतना राधा रानी भी मान क्यों, राधा रानी सोच रही है कृष्ण मेरे साथ में और कृष्ण सबको साथ में, मैं जो राधा हूँ, राधा मतलब क्या है, बोले अनया राधिकम, जो पूर्ण रूप में कृष्ण को आराधना करती है, जो पूर्ण रूप में बोले देवी कृष्णमयी प्रक्ता राधिका परा देवता सर्व लक्ष्मी सर्व कांति सन्मोहिनी पर, कृष्ण की संपूर्ण इच्छाओं को जो पूर्ण कर सकती है और वही नहीं, ये राधा जी का भी है, मतलब राधा जी एक एक जो भाव है ना, ये एक एक गोपी रूप धारण की है। इतने में कृष्ण ने राधा की मान को मनाने के लिए और गोपियों की सौभाग्य मद को दूर करने के लिए कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए और उन्होंने क्या की, थोड़ी दूर गए और जाकर के उन्होंने क्या की, उन्होंने थोड़ी दूर जाकर कुंज में चले गए, जाकर के श्याम सखी रूप धारण कर लिए, श्याम सखी रूप धारण करते हुए बोले देखो एक काम करते हैं हम, दो दो, दो बन करके ना चलो कृष्ण ढूंढेंगे। अभी कृष्ण की आज्ञा श्याम सखी बन गए और उन्होंने राधा रानी के हाथ पकड़ लिए और राधा जी के हाथ पकड़ करके उन्होंने लेकर के चले गए। राधा को पता ही नहीं चला यही श्याम सुंदर, और लेकर के आ गए, उनको लेकर के कुंज में गए और कृष्ण अपना हाथों से राधा रानी से इंतजार की। और इधर तो गोपियां कृष्ण विरह में व्याकुल होकर के वृक्षों को लताओं को पत्तों को सब पूछ रहे लेकिन कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। बोले हे पृथ्वी तुम तो सर्वत्र जाते हो, कृष्ण कहां तेरे को तो जरूर बताऊंगा। इतने में देखा जो पृथ्वी को देखा उन्होंने श्री कृष्ण का चरण चिन्ह देखा, बोले देखो दो ये श्री श्याम सुंदर का चरण चिन्ह है, श्याम सुंदर इधर गए हैं क्योंकि कृष्ण का चरण की सेवा सब करते हैं ना, ये सब करते हैं, इसलिए कृष्ण का चरण में उन्हें चिन्ह है। कितना चिन्ह है, कितना चिन्ह है, कहते हैं कृष्ण का चरण को स्मरण करो तुम्हारी सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्यों, हाँ सुनो, कृष्ण का चरण को ध्यान से क्या होता है, बल्कि उनका चरण में चिन्ह है स्वस्तिक, अगर कोई स्वस्ति के चिन्ह को स्मरण करे तो तुम्हारे घर में मंगल मंगल है, उनके चरण में कमल है, अगर कमल को कोई स्मरण करेगा ना जैसे कमल खुशबू निकलती है तुम्हारे जीवन में भी बड़ी खुशबू निकलेगी, उनके चरण में जा है, अगर उसको कोई स्मरण करेगा ना घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी, घर में खूब पैसा रुपया पैसा आएगी घर में। उनकी चरण में गद्दा है, गद्दा से क्या करते हैं मारते हैं, अगर उसको कोई स्मरण करे ना तुम्हारे जीवन में कोई शत्रु नहीं रह सकते हैं, वो सारे शत्रुओं को नष्ट कर देगा। भगवान के चरण में चक्र है, चक्र को स्मरण करोगे तो जो काम क्रोध लोभ मोह है ये सब कैसे नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनकी झंडा उनकी चरण में पताका, अगर कोई पताका का स्मरण करेगा ना जगत में तुम्हारी खूब जस होगी, सारा दुनिया में तुम्हारी जस होगी, इसलिए कृष्ण का चरण को उन्हें देख करके उन्होंने धीरे 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 आगे बढ़ गए और इतने में देखा उनको दोनों चरण के बीच में
एक छोटी सी चरण चिन्ह है। किसने कहा देखो 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 यहाँ पर छोटी चरण चिन्ह है, है? बोले देखो यही गोपी ही कृष्ण पूर्ण रूप में आराधना की। क्यों? हम सबके सब वहां पर थे लेकिन जब गए कृष्ण गए लेकिन किसको लेकर गए? यही गोपी को लेकर गए। बोले आराधित नाम भगवान हरि ईश्वर, इन्हें नहीं कृष्ण को पूर्ण रूप में उन्हें सेवा की। बोले वो कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी की जोर से जयकार लगाओ। बोले श्रीमती राधा रानी की बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। लेकिन और थोड़ी दूर गए देखा नहीं। बोले वो ये कहाँ चढ़ना चली गई? दूसरे गोपी कहती हैं ये तो हृदय को और भी दुख देने वाले। बोले क्यों? बोले कृष्ण का झरना देखो जरा दबाव। बोले अता बोले समझ नहीं रही हो, वो कृष्ण उनको कंधे पर लेकर गए नहीं तो गोद में उठा कर ले गए, तभी तो कृष्ण का झरना ज्यादा दबाव है ना। ऐसे करते करते जा रही थी इतने में कृष्ण तो राधा जी को श्रृंगार कर रहे थे। इनका हई हल्ला सुने कृष्ण बोले चलो जल्दी यहाँ से चल जाते हैं। क्यों? तो मनाते मनाते इतने समय चला गया, अगर वो देख लिया तेरे को अकेले ले आए ना तो ये रास असंभव है। राधा रानी मान कर ली, बोले मैं नहीं चलती हूँ, जैसे मेरे को उठा करके ले आए ना सही वैसे हमको उठा करके ले जाओ। क्या कंधे पर बैठो? बोले बैठा लो। बस बैठने के लिए कृष्ण वहीं से अंतर ध्यान हो गए और वहीं पर हाथ कृष्ण करते करते राधा रानी वहीं पर बेहोश हो जाती है। गोपियां आकर के उनको होश दिलाती हैं। तो देखो कृष्ण को उनका भजन बहुत प्यारा है, हम जमुना किनारा में बैठ करके चलो हम गीत गा लेंगे। बोले क्यों? जो जमुना है कृष्ण की प्राणी, ये जमुना के कृपा के बगैर ना वो कृष्ण नहीं मिलते हैं। तो ये जमुना ने कभी क्या की थी? राधा कृष्ण को कराया था। देखो एक छोटी सी कथा सुनो। बोले एक दिन कृष्ण राधा रानी कृष्ण को बोलते हैं, बोले कृष्ण मैं तो मान करती हूँ आप मेरे को मनाते हो, एक दिन तू मान कर मैं मनाऊंगा। मैं मनाऊंगा कृष्ण बोलती पुरुष मान मान स्त्रिया करती हैं और पुरुष स्त्री को मनाते हैं। बोले तो मैं मान करती हूँ, एक दिन आप मान करो ना, मैं कोशिश करूँगी आपको मनाने के लिए। बोले ठीक है, एक दिन कृष्ण मान ली। अभी राधा रानी मनाने के लिए कोशिश की लेकिन कृष्ण मानी उतर नहीं आता। आप देखा अगर कोई व्यक्ति सोया हुआ व्यक्ति उसको जगा सकते हो लेकिन जान बुझ रहे जो सोया था उसको आप जगा नहीं सकते हो। कृष्ण का थोड़ी मानो भी ना मान किए। अभी राधा रानी तो मनाते मनाते थक गई, अभी कृष्ण का मान ही नहीं उतर रहा है। राधा रानी की भैया मैंने क्यों बोला तुम मान करने के लिए, अभी मना ही आ रही हूँ। इतने में उन्होंने श्री यमुना के पास में गए, बोले ऐसे ऐसे। यमुना ने बोले मैं तो चुटकी बजाते ही मान मना दूं। बोले मना लो। बोले हाँ। इतने में तो कृष्ण भी काले और यमुना भी काली, दोनों का रंग बराबर है हाँ, इसलिए उनका नाम कालिंदी। कालिंदी मतलब क्या है? जो श्याम रंग के है हाँ? कृष्ण रंग में जो रंगी हुई। इतने में बोले ठीक है तुम मनाओ। इतने में कालिंदी ने क्या की? कृष्ण की रूप धारण की, बड़े सुंदर मयूर मुकुट पहन ली और बड़े सुंदर श्रृंगार की। आप देखना एक लड़का कृष्ण बनाओ एक लड़को कृष्ण बनाओ, देखना वो लड़की ज्यादा सुंदर दिखेगी, वो लड़की ज्यादा सुंदर दिखेगी और लड़कियां तो सुंदर ज्यादा होती है। अभी जब उन्होंने कालिंदी को उन्होंने कृष्ण रूप कालिंदी धारण की ना, वो कृष्ण को भी मात करने वाली इनकी रूप थी, अद्भुत इनकी रूप थी। और इतने में जो कालिंदी ने किया कि वो आ गई, जब आ गई इतने में जो कृष्ण थे वो तो चक्कर में पड़ गए। बोले भैया ये कौन है? हमने कहीं जब संतान जन्म हुए थे मैया ने हमें बताया नहीं, ये तो मेरे से भी देखने सुंदर लग रहे हैं। कृष्ण रूप धारण किया ना, मयूर मुकुट सुंदर केश अपूर्व कृष्ण का जैसे पीताम्बर, कृष्ण से भी ज्यादा मात कर सुंदर है। इतने में अभी ये कालिंदी कृष्ण रूप देख करके जितने सखा लोग थे ना, तो असली जो कृष्ण था छोड़ करके नकली कृष्ण को मुझे भाग गए। कृष्ण बोले भैया ये तो गड़बड़ी हो गया, मैं तो कृष्ण हूँ ये तो मेरे को छोड़कर इसको भी चले गए।
वो समझ गए दाल में कुछ काला है। बोले भैया तुम कौन हो? बोले मैं कृष्णा हूँ। बोले भैया मैं भी कृष्णा हूँ। फिर दोनों मित्र हो गए। जब मित्र हो गए अभी हम आपसे में गले में मिलना चाहता हूँ। इतने में बोले कोई बात नहीं। जब उन्होंने गले मिला ना फिर तो कृष्ण को पता चला ये लड़का ये कौन है, ये लड़की है, ये यमुना जी। फिर कृष्ण का मान उतर गया। फिर कृष्ण फिर उन्होंने श्री राधा रानी से मिले। इसलिए एक दिन ये यमुना ने आलिंद ने क्या की थी, उन्होंने जुगल सरकार कृष्ण और राधा रानी को कभी मिलन कराई थी। इसलिए बोले देखो ये कालिंदी कौन है? बोले ब्रह्म द्रव्य गात्र। जब राधा कृष्ण का प्रेम द्रवीभूत होकर के बहती है कहती ये यमुना, यमुना और कोई नहीं। बोले चिदानंद भानु सदानंद सुनो परम प्रेम पात्री लघानाम लभेरी। ये यमुना साधारण नहीं, भगवान के प्रेम ही द्रवीभूत होकर बहती है। कभी उन्होंने अपना राग को सुने, राग सुने तो भगवान का शरीर से पसीना बही, पसीना बहे तो मैया ने कन्या को मोटी मोटी काजल लगा दी, वो पसीना काजल में मिल गया। अब मिल करके काली हो गई पसीना। अभी उनका बक्र स्थल को बहाते हुए चरण को स्पर्श करते हुए जब ये बहती ना, ये कौन है? बोले श्री यमुना पटरानी। बोले चलो हम सबके सब यमुना किनारा में बैठ कर कृष्ण कीर्तन करेंगे, क्योंकि कृष्ण खुद कहते हैं, ये उपनिषद कहता है, बोले ना अयम आत्मा प्रवचनेन न लब्ध न मेधया न बहु न श्रुतेन। ये उपनिषद कहता है भगवान को न अयम आत्मा प्रवचनेन न लब्ध, वो आत्म तत्व प्रवचन से प्राप्त नहीं, बुद्धि को नहीं, विवेक को द्वारा नहीं, पांडित से नहीं। बोले कैसे? बोले सही जाने जा रहे देहु जना, वो जिसको ऊपर में कृपा करके जना रहे हैं केवल ही जान सकते हैं। अभी वो कृपा करेंगे कैसे? वो कृपा करेंगे कैसे? वो कृपा करेंगे कैसे? बोले काली जोग के बलना माँ आधारा, काली जोग के बलना Hare 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 Hare
बोले भगवान कलयुग में जल्द से जल्दी कैसे प्रसन्न होते हैं, बोले उनकी कीर्तन से हो जाते हैं। बोले चलो हम बैठकर के कीर्तन करेंगे, तब गोपियों ने बैठ करके जो कीर्तन की ना उसका नाम कहते गोपी गीत। इसमें इतने शक्ति है, गोपी गीत में इतने शक्ति है, अगर कहीं भी आप ये गोपी गीत गाओगे वो ठाकुर जी को वहाँ आना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग कभी कभी इधर उधर का कोई बात पढ़ते हैं, रोज 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 अपना घर में गोपी गीत पढ़ा करो। क्या पढ़ोगे बताओ, क्या पढ़ोगे घर में? इधर उधर चीज नहीं पढ़ के क्या करो घर में? गोपी गीत पढ़ोगे, घर में गोपी गीत पढ़ोगे ना, फिर घर में तुम्हारी ठाकुर जी आ जाएगी। फिर घर में कौन आएगा? श्री बांके बिहारी आ जाएंगे घर में। अगर जिस घर में श्री बांके बिहारी आ जाए ना, घर का जितने अमंगल है, घर का जितने सारे अमंगल तुम्हारी घर की दूर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए गोपियों ने जो गोपी गीत गाए, बोले उसमें इतने शक्ति क्यों? कारण क्या? बोले कारण है उसमें दो तरह का अर्थ है, एक तो सीधा है कि उल्टा है, एक है तो स्तुति और एक है उनको ताना मारते हुए। जैसे अगर पति पति को बोले देखो तेरे लिए ऐसे साड़ी ला दूंगा, ऐसे गहना ला दूंगा, अगर पति नहीं लाए तो पत्नी क्या करती? बोलती हाँ हमने बहुत साड़ी लाए, हमने बहुत गहना पहन लिया, क्या सुंदर साड़ी लाए। इसलिए कभी ताना मारते हुए बोलती है ना, उसमें ये बहुत है, एक तो ताना मारते हुए जैसे देखो बोले तब कथा अमृता जीवन, देखो दो अर्थ होता है, एक अर्थ है हे श्याम सुंदर तुम्हारी कथा तो अमृत है, तुम्हारी कथा अमृत है, लेकिन दूसरा अर्थ किया बोले तब कथा अमृतम, बोले खबरदार तुम्हारी जो कथा है ना वो मारने वाले सबको हाँ अमृत नहीं है, तुम्हारी कथा अमृतम, जो सुनेगा मरेगा। हमारा जीवन देख लो, जब तक तेरे कथा नहीं सुने ना तब तक चैन में घर में रहते थे, और जब से तेरी कथा कान में पड़े सब बेचने हो गए। देखो तुम लोगों को देखो, घर में थी घर बार छुड़ा कर कथा में ले आए, बोले श्याम सुंदर तेरी जो कथा सुनेगा ना वो तो बेचने बनेगा ही है, वो तो पागल बनेगा ही तेरी कथा में। इसलिए तब कथा मृतम, बोले तप्त जीवनम, एक अर्थ होता है जो भगवान की कथा सुनेगा जीवन में परम शांति और परम सुख मिलेगा। दूसरा अर्थ बोले तप्त हृदय उत्तप्त हो जाएगी, कब कृष्ण कथा सुनने जाए, कब ठाकुर जी का नाम ले, कब ठाकुर जी की भक्ति करे, तप्त जीवनम, बोले कभी भी रीडितम, बोले तेरी कथा को तो बड़े बड़े कवि लोग व्याख्यान करते हैं, अरे भगवान कथा ऐसे भगवान कथा ऐसे, राधा रानी कहती खबरदार जी की बात मत सुना करो, ये बगल में पोथी दबा करके ना भागवत, बोले देखो कथा सुनाएंगे, हाँ कुछ नहीं चाहिए कथा सुनाएंगे, और कथा सुना सुना कर खुद का तो घर द्वार कुछ है नहीं, और खुद पागल और दुनिया को पागल बना दे, खुद पागल और दुनिया को पागल बना देते हैं। इसलिए एक अर्थ तो सीधा और एक उल्टा अर्थ, लेकिन उसमें जो उल्टा अर्थ है ना उसमें विशेष अर्थ है, उसमें कृष्ण को गोपियां कैसे ताना मार रही, और जो ताना पत्नी की जो ताना है ना पति को बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए कृष्ण को ये रासों में कृष्ण को प्रकट होना पड़ा। इसे हम इसके दो चार श्लोकों को हम पढ़ लेते हैं, पढ़ दर दर श्री सा
भगवान कृष्ण रह नहीं सके, गोपियों को बीच में प्रभु को मनमथ का मनमथ रूप लेकर के, मदन मोहन रूप लेकर के प्रकट होना पड़ा। अभी किसने तो उनको चदर लेकर पकड़ लिया, किसने गले में गलावे बहनिया लगा दी, किसने उनका तांबुल मांगे, किसने उनका चरण पकड़े। लेकिन एक जो गोपी है ना, वो पास में ए, पानी देने वाले अभी पानी मत दो, जब कीर्तन होगा तब चुप बैठो। इसलिए लेकिन इस कोई तो चरण पकड़ रखा, कोई बाहु पकड़ के रखे, लेकिन एक जो गोपी है ना वो पास में फटक नहीं रही थी, वो तो दूर में खड़ी होकर के तेरे से चिंतन से देख रही थी हैं। और कुछ सखियां थी वो दूर में खड़ी होकर के उनकी सौभाग्य को देख रही थी। आप भागवत पढ़ो, देखना वहां पर किसका नाम उल्लेख नहीं किया, ये कौन ये कौन ये कौन। लेकिन श्री सनातन गोस्वामी इस सारे बात को कह देते हैं, बोले भैया जो दूर में जो खड़ी होकर तेरे से चितवन से देख रही है और कृष्ण का नजर और कहीं नहीं है, वो कह लो उसकी ऊपर भी, बोले वो कौन है, बोले ये श्रीमती राधा रानी। बोले दूर में जो कुछ गोपियां खड़ी होकर के देख रही थी, ये कौन है, ये ललिता विशाखा चंपक लता रूपम मंजरी रति मंजरी, ये देख रही थी। देखो भले ही उनका पाम क्यों पकड़े, चरण क्यों पकड़े, लेकिन इनकी नजर कहीं नहीं, इनकी नजर तो केवल श्री राधा रानी का प्रति इनका नजर है। बोले हाथ प्यार कौन पकड़े, बोले ये चंद्रावली का जो दल के है। इतने में गोपियों ने अपना चुनरी को उतार करके आसन किया और वहां पर बैठाए, और गोपियों ने उनको प्रश्न करते हैं, उनका प्रश्न है, बोले कृष्ण हमारे प्रश्न का उत्तर दो। बोले बताओ क्या प्रश्न है। बोले जगत में तीन तरह के लोग होते हैं। पहला नंबर का जो लोग है, जो प्रेम करने वालों को जो प्रेम करता है। दूसरे नंबर के लोग है, करे नहीं करे तभी करता है। तीसरा नंबर का है, करे नहीं करे हाँ, जिसका किसी को साथ में कोई मतलब नहीं। बताओ ये तीनों में तुम कौन हो। अब ध्यान देकर सुनो, कृष्ण उत्तर दिया, जो प्रेम करने पर जो प्रेम करते हैं, कहती है बढ़िया। जैसे आप कुछ पैसा लेकर के जाओ किसी दुकान, 100 रुपया दिया, 100 रुपया का सामान दे दिया, वहां कोई प्रेम नहीं है, कोई प्रेम है, पैसा दिया मांग लिया, क्या प्रेम है, बढ़िया। दूसरा नंबर कौन है, अरे नहीं कर तभी करता है। बोले कौन, बोले पिता माता। अब देखना भले ही बच्चे इतने नालायक नहीं हो जाते, लेकिन माँ के हृदय में ये मेरे बेटा है, मेरी बेटी है, उनके हृदय में बच्चे का प्रति स्वभाव किसने है, स्वभाव किसने पिता माता की बच्चे का प्रति। देखो एक समय एक प्रिया थी, अपना प्रेमिका प्रेमिको को बताया, बोले देख तब मैं देखो प्रेम करूंगी, अगर तू अपना मैया की मैया को मांग करके अगर उसका दिल मेरे को ला दो। बोले ठीक है, वो प्रेमिका गया अपना मैया को खत्म कर दी, और उसका जो हृदय था ना हाँ, उसको हृदय के जब ले करके आ रहा था, इतने में उसको कहीं ठोकर खा कर गिर पड़ा। जब गिर पड़ा उसका जो कलेजा था ना, उससे आवाज आ रहा है, बोले बेटा तेरे को तो चोट नहीं लग गया, तेरे को चोट नहीं लग गया, मतलब क्या है, माँ की हृदय ना बड़ा होती है, कहते माँ के बराबर जगत में कोई नहीं हो सकता है। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, जो माँ हमें गर्भ में धारण की, जो माँ हमें सुखा में स्वयं गिली में सोकर सुखा में सोई, सुखा में हमें सुलाया, मुंह की खाना निकाल कर जिसे खाना खिलाए, कभी कभी हम उसको ही भूल जाते हैं। शादी हो गया, घर में बहू आ गई, बहू हो गई, सब कुछ, और भैया कुछ नहीं नहीं। आप लोग सब ध्यान रखो, एक दिन हमें भी, हम भी कभी, हम घर की हम भी कभी सास ससुर बनेंगे, हम जैसे अपना सास ससुर की सेवा करेंगे, हमें भी वैसे सेवा मिलेगा।
ये चीज को याद रखना, कहते ना अगर इतना बड़ा ईंट मात्र इतना बड़ा पत्थर रहता है, हर समय अपना सास ससुर की ख्याल रखनी चाहिए, हर समय ख्याल रखनी चाहिए। और दूसरी बात है, इसलिए कभी कभी घर बहू आ जाए ना, कभी कभी जो सास होती है वो भी कभी उल्टा हो जाती है, वो अपना बेटी को जैसे देखती बहू को ऐसे नहीं देखती है। इसलिए नियम है जो सास ससुर अपना बहू को बेटी जैसे देखे, और जो वो क्या देखे अपना माँ जैसे अपना सास बेटे, बस वही राम राज्य है, वही राम राज्य हो जाए। राम राज्य नाम क्या बर, जहां पर युद्ध नहीं होता है, इसलिए जहां पर युद्ध नहीं होता है, जहां पर युद्ध नहीं होता है, जहां पिता माता में आदर करनी चाहिए, पिता माता की पूजा करनी चाहिए। और एक चीज ध्यान देख रहे, एक दिन हमें जो बड़े गुरु जी थे ना, किसने आकर के बोला, बोले गुरुदेव बेटा मैं बात नहीं सुनता है, शादी से पहले तो थोड़ी बहुत सुनता जाता तो सुनता नहीं था, लेकिन जब से शादी हो गया पता नहीं क्या हो गया, हमारा बात नहीं सुनता है बेटा, ध्यान देख सब सुनो। तब तो हमारे बड़े गुरु जी उत्तर दिया, बोले आप कभी रामायण पढ़ते हो, बोले नहीं, बोले बच्चे को भी रामायण तुमने कभी पढ़ने के लिए बताया, बोले नहीं, बोले अगर तू स्वयं रामायण नहीं पढ़ोगे, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाओगे तो बच्चों को संस्कार कहाँ पड़ेगा। अगर अगर तू रामायण पढ़ता, रामायण में क्या लिखा हुआ, प्रात उठई रघुनाथा, ये हमारे बड़े गुरु कह रहे हैं, प्रात उठई रघुनाथा मात तो पीत तो गुरु न मई माता, है ना, प्रभु सब सवेरे उठकर पहले क्या करते हैं, पहले पिता माता की चरण की वंदन करते हैं, फिर गुरु जी की। आप रामायण लिखे होंगे, जब दशरथ महाराज विश्राम करते हैं, देखना राम लक्ष्मण जाकर के पिताजी की चरण चरण दबाते हैं। अगर तुम रामायण पढ़ता तो बच्चों को पढ़ाते तो फिर तो तुम्हारी बच्चों को संसार पढ़ता, तुमने तो स्वयं रामायण नहीं पढ़ी। अगर होगा तो घर में बांध कर कोई में रखा हुआ होगा, घर में जितने नाटक नवेल उल्टा सीधा पिक्चर फिल्म फिल्म उल्टा पुल्टा पिक्चर तुम्हारे घर में पड़ा हुआ है, तुमने स्वयं रामायण और स्मार्टफोन बच्चों को पकड़वा दिया, 20-20 हजार 10-10 हजार 50-50 हजार तुमने स्मार्टफोन, हमारे गुरु जी कह रहे स्मार्टफोन तुमने पकड़वा दिया। अभी बेटे को तुमने बोले हो एक माला जगर तू, गुरु जी बोले एक माला तुम कहते हो कि नहीं दो तीन माला, बोले नहीं, बोले पहला गुरु पिता माता है, पहला गुरु कौन है, पहला गुरु कौन है, पिता माता, ये स्वयं गीता भागवत ही ये पिता माता, क्योंकि पहले पहला जो संस्कार है बच्चे को पिता माता से ही पहला संस्कार पड़ता है, सबसे पहला। जैसे हमारे में देखता हूँ ना, रूबी है ना ये बैठी हुई, ये हरिनाम करती है, माला करती है, देखा उसकी बच्ची भी माला लेकर, लड़की वो भी माला लेकर घूमती रहती है माला, बोले क्यों देखता है ना, माँ भी नाम करते उसको, पिता भी उसको भी करते, उसका छोटी जो बेटी देखे ना माला करके वो भी माला लेकर घूमती रहती छोटी बेटी, बोले क्यों, वो पिता माता ही जगते जाते गीता भागवत है, पहले यहीं से संस्कार पड़ेगा। इसलिए इंडोनेशिया में मुसलमान देश का लोग घर घर में ये भागवत और ये हमारे रामायण पढ़ रहे, बोले क्यों, बोले भाई भाई में कैसे प्रेम होनी चाहिए है, इसलिए बेटा को अंदर में कैसे संस्कार होनी चाहिए, घर की बहू बेटी कैसे बननी चाहिए, ये संस्कार से रामायण से मिलता है रामायण से। इसलिए आप लोग स्वयं रामायण पढ़े और बच्चों को रामायण पढ़ाओ और घर में नियम रखाओ, ध्यान देकर सुनो, घर में नियम रखना, हर बच्चों को जब तक एक माला जब नहीं करते हम खाना नहीं देंगे, हम खाना नहीं देंगे बच्चों को, पहले नियम बनाओ, एक माला कर, एक तो गीता का एक श्लोक पढ़। मैं गया था जयपुर में कथा करने के लिए, मैं आ रहा था, देखा कि मुसलमान का बच्चा 5 उम्र का पतंग उड़ा रहा था, मैंने वो मुसलमान बच्चे से पूछा तेरे को कुरान आता है, बोले हाँ कुरान आता है मेरे को, बोले बोलो, इतने में उसने तो झटाट कुरान बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया तुम्हारी धर्म में ये कुरान कब से पढ़ा शुरू करते हैं, बोले मुसलमान धर्म में 2 साल उम्र में कंपलसरी उसको कुरान पढ़ना पड़ेगा। आप देखे होंगे शुक्रवार का दिन मुसलमान भाई लोग बच्चे को सर पर टोपी पहना करके और मेन रोड में जाकर के जाम
करते बैठ करे ये पुराण पढ़ते अपना गंतव्य पढ़ते। और हम लोग सनातन धर्मी हिंदू, हमारा गीता भागवत कितने दिव्य ग्रंथ है, लेकिन हमने बच्चों को अंदर में कोई संस्कार नहीं दिलाते। इसलिए घर में नियम बनाओ, भैया एक माला पहले तुम, एक माला बच्चा जप किया करो है। अगर बेटा अगर एक माला जपेगा, अच्छी संस्कार पड़ेगी, भावना अच्छी आएगी, पिता माता को सबसे पहले तो पिता माता की सेवा करेगा, पिता माता को आदर करेगा। क्यों? वो सोचा पिता माता हमें जन्म दिया, पहले सेवा पिता माता की हमें करनी चाहिए। आप लोगों की सवेरे उठ करके क्या करो, पहले पिता माता की चरण छुओ। क्या करे क्या करो, पहले पिता माता की चरण छुओगे, पिता माता की आशीर्वाद इतने बढ़िया होता है। अगर तुम्हारी भाग्य अगर उल्टा पुल्टा होना, अगर पिता माता की आशीर्वाद मिलेगा तो भाग्य रेखा बदल जाती है। इतने पिता माता की कृपा इतने बड़ी होती है, ठीक है ना। जो लोग छूते हैं तो अच्छी बात है, और जो नहीं छूते हो क्या करना, कल से सवेरे उठ करके पहले पिता माता की चरण छुआ करना। और बच्चे को भी बोलना, बेटा तू भी एक माला कर, किसी गीता पढ़ा कर है, रामायण थोड़ी सी पढ़ो, बच्चे को अंदर में अच्छी संस्कार देगी, बच्चा तो सबसे पहले पिता माता की ही सेवा करेगा, ठीक है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए बोले वो पिता माता है, है? तीसरा नंबर जो करे नहीं करे कोई मतलब नहीं, बोले चार तरह का है, आत्मा राम आपका काम, गुरु द्रोही और अकृतज्ञ। बोले कृष्ण तू अकृतज्ञ, तुमने बंसी बजा के हमें बुलाया अर्ध रात्रि में, और अर्ध रात्रि में छोड़ कर कहाँ चला गया, लगा है तुम तो अकृतज्ञ है, किया हुआ भलाई तुम भूल गए हो। कृष्ण ने कहा नहीं गोपी, मेरे को समझो, बोले प्रेम की दो पहलू है, एक मिलन है और एक विरह है। लेकिन मिलन में क्या होता है, केवल सामने सामने तो मिलते हैं लेकिन अंदर से खो जाते हैं। लेकिन विरह से क्या होता है, जैसे पति अगर विदेश में हो, दो साल में तीन साल में एक बार देखना, पत्नी दिन भर पति को याद करती रहती है, कब आएंगे, पत्र नहीं आया कैसे, और बड़े दिन में आए ना देखना, बड़ी सेवा करती है, बड़ी सेवा करती है। इस दूर में रहने पर चिंतन को द्वारा उसमें डूब जाती है, और पास में रहने पर करते हुए आदर हो जाता है। लगती है चंद्रमुखी, बाद में सूरज, फिर ज्वालामुखी। अगर पति बोलता है ग्लास उठाकर पानी दो ना, उठाकर पी लो ना। इसलिए कृष्ण ने कहा देखो मैं तुमको छोड़ा नहीं, तुम्हारी प्रेम को मैं देख रहा था, तुम लोग मेरे प्रेम में कितने दीवार बनती हो, मैं ये चीज को मैं देख रहा था, मैं कहीं नहीं गया था, तुम्हारे पास में बैठा हुआ था, तो बीच में कहां प्रकट होता। इसलिए हे गोपियां मेरे को ऐसे मत समझा करो, पर भगवान गोपियों साथ वास करते हैं, जहां पर सारे देवता लोग आ जाते हैं, वाद्य यंत्र को लेकर के एक गोपी एक कृष्ण नृत्य करते हैं, भगवान सुंदर से बस हो जाते हैं, उन्हीं चरण का जो नुपुर की साथ में मिला मिला के कृष्ण बंसरी गाते हैं, प्रभु जी दिव्य उन्होंने रास की, जिसमें स्वयं शंकर भी गोपी बन करके प्रभु का रास दर्शन कर दिए, शंकर भी आते हैं। लेकिन जो माया बोले देखो वहां पर तो सब स्त्रियां हैं, पुरुष है नहीं, तुमको स्त्री रूप धारण करना पड़ेगा। उन्होंने ब्रह्म कुंड में स्नान किया, ईशान कुंड में बैठा दिया, भगवान जब रास कर रहे थे बोले आज मेरे मन में कहीं आनंद नहीं आ रहा है, लगा है यहाँ पर अनधिकारी व्यक्ति दिखाई कि नहीं गोपी कुंज में बैठी हुई। बोले भैया तेरा नाम क्या, वो तो गोपी नहीं हो गोप है, शंकर जी मुंह से भूल नहीं निकली। बोले खम का नाम क्या, बच्चू बोले सास ससुर का नाम क्या, कुछ बोले नहीं पा रहे। वो यही तो आया, फिर तो शंकर जी पकड़ के बाहर निकाल ले, इतने में कृष्ण आ गए, बोले बोले तुम भी आए हो, बोले प्रभु तुम्हारी बंसी ध्वनि कैलाश में भी पहुंचा, मैंने सुन करके मैंने सोचा तेरे रास का दर्शन करूं, बोले आज से तुम यहाँ पर गोपी सरस्वती रूप में तुम्हारी पूजा मिलेगी। जो व्यक्ति आएंगे वृंदावन में जब तक तुम्हारी आदेश को नहीं ले तब तक ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए नियम है जब वृंदावन में जाना
जरूर गोपीश्वर महादेव का दर्शन करें। देखो इनके एक स्तुति है, साधारण लोग तो शंकर जी के पास में ये धन दौलत पुत्र परिवार मांगते हैं, लेकिन शंकर जी वैष्णव नाम जथा संभू भगवान के सबसे प्यारे श्री भोले बाबा ये जीवों को प्रभु का प्रेम प्रदान करते, भक्ति प्रदान करते हैं। गुरु तो इनका एक श्लोक है, बोले श्रीमद गोपीश्वरम वंदे, श्लोक भी याद कर लेना। अगर शंकर जी को कभी पानी चढ़ा दो ना, इसी श्लोक से पानी चढ़ाओगे ना, वो तुमको भगवान की जुगल सरकार की प्रेम प्रदान करेंगे। बोले श्रीमद गोपीश्वरम वंदे शंकर करुणामयम सर्व क्लेशहरम देवम वृंदारण्यम रतिप्रदम वृंदावन बनिपते जय सोम सोम मौले सनातन सनंदन नर वृद्ध गोपीश्वर ब्रज विलास युगांध्रि पद्मे प्रेम ब्रज चनित राम निरुपाधिका। ये श्लोक से प्रणाम करोगे ना भक्ति मिलेगा। कहते हे श्री गोपीश्वर महादेव, आप वृंदावन का अधिपति हो, जिनको नारद सनकादि जिनको पूजा करते हैं, जीवन का सारे दुख को तुम दूर करने वाले हो, आप हमारे ऊपर में कृपा करो। ब्रज जो विलास करने वाले श्री जुगल सरकार, इनकी चरण में हमें प्रेम दो, भक्ति दो और राधा कृष्ण की दिव्य लीला में हमें प्रवेश दाओ। आप इसी श्लोक से शंकर जी को पूजा करना, आपको भक्ति और प्रेम देंगे। अब प्रभु जी आपको एक रासलीला का भजन सुनाएंगे और सबके सब नाचना। अभी कृष्ण रुक्मिणी को बनाया कि नहीं? कृष्ण रुक्मिणी सब बना रहे हैं, कृष्ण रुक्मिणी को बोलो सजाओ, कृष्ण रुक्मिणी को। रास बिहारी भगवान की जय, जय जय श्री राधे। हरे के दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हमें दिखाता